Hello people, I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are to continue the topic of Arbitration and Conciliation Act. हम लोगों ने कल Arbitration and Conciliation Act को start किया था. It's a very small chapter, it's a very easy chapter, super easy chapter है. इस chapter की बस एक खामी है कि उसमें उन्होंने एक ही चीज को बार 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 लिख के दिया. So the same thing is repeated again and again in the chapter. That makes it a little bulky. And while reading, that makes it a little monotonous. तो ये थोड़ा सा कैसा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है सेम चीज का इस चैप्टर में. वन एंड सेकंड बहुत जनरल बातें बोली गई है. सो व्हेन यू पीपल आर सेड फॉर एनी स्टूडेंट, व्हेन सम स्टूडेंट इज गिवन सम फिक्स्ड डेटा लिमिट्स, सो द स्टूडेंट इज वेरी कंफर्टेबल कि हाँ मुझे ये समझना है. बट व्हेन एनी चैप्टर इज इन अ वेरी जनरल चैप्टर इन नेचर, सो व्हेन इट इज वेरी जनरल इन नेचर, सो द स्टूडेंट फील्स कि हाँ भाई याद क्या रखना है क्या नहीं. सो दैट्स अ स्मॉल ट्रबल, बट व्हेन यू सी पास्ट ईयर क्वेश्चंस यू विल बी ऑल रिलैक्स कि इसमें बड़ा लाइटर नोट पे आपका हैंडल हो जाएगा. चलिए यारों, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कल समझा था कि इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. उसके पहले हमने समझा कि एक्ट कौन सा आता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. कब आया था 22 अगस्त 1996 एंड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. फिर हमने इसके अंदर यह भी देखा कि आखिर इस एक्ट को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था. द उद्देश्य वॉज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिफाइन लॉज फॉर कंसीलिएशन. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लाया गया आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. फिर देखा हमने कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट पार्ट वुड बी आर्बिट्रेशन, द सेकंड एंड द स्मॉलर पार्ट वुड बी कंसीलिएशन. आर्बिट्रेशन को हम फर्दर चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. पहला इज इंट्रोडक्शन, एक बेसिक आइडिया कि आर्बिट्रेशन क्या होता है क्या नहीं होता है. उसके बाद में आर्बिट्रल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, उसके बाद में आर्बिट्रेटर या उसको कह सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड लास्ट इज आर्बिट्रल अवार्ड. इस प्रकार से डिवाइड करके ये पूरा चैप्टर पढ़ा जा सकता है. क्लियर हम लोग यारों? तो हम लोगों ने इसी तरह से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पढ़ा था, और मैंने आपसे एक अपेक्षा रखी थी कि आप अच्छे उसके आगे का रीड कर कराएंगे. अगर आपने उसको अच्छे से रीड किया ना, यू विल सी द सेम थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो बहुत आसान है. एंड वंस आई हैव टॉट द टॉपिक, उसके बाद में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन से चैप्टर की एक समरी दूंगा जिसके अंदर एवरीथिंग विल बी कवर्ड. तो उससे होता क्या है कि यहां पे सिनॉप्सिस कह सकते हो आप, चैप्टर का सिनॉप्सिस, यहां पर एक हेडिंग दी होती है उसके आगे बहुत कुछ लिखा है एंड सेम चीज रिपीटेडली, इतना बड़ा सा एग्जाम्पल दिया है. सो देन वाइल रिवाइजिंग यू जस्ट नीड द पॉइंट. हाँ समझ में आया. तो आई विल बी गिविंग यू सिनॉप्सिस विच विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. चलिए यारो हम लोग आगे बढ़ते हैं. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ना बाकी था, टर्मिनेशन, उस पर आते हैं. चलिए, यस पीपल, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहां तक कि क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वी डन. एंड नाउ वी आर हिटिंग टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस. ये हमने पहले भी देखा, वापस रिपीटेशन है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक रेफरेंस इन दी मेन अग्रीमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है. कि सिर्फ मेन अग्रीमेंट में आपने एक रेफरेंस दे दिया है कि वो पहले जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट चल रहा था वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा, तो आपने सिर्फ एक रेफरेंस दे दिया है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आपके लेटर से, ईमेल से अगर आपने कंसेंट दिया है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. तो ये हम पढ़ चुके हैं, वही चीज वापस यहां पे लिखी हुई है. सो इस चैप्टर के अंदर जैसे कि मैं कह रहा था, वही चीज थोड़ी सी रिपीटेड फॉर्म में है, दैट इज द डिमेरिट ऑफ दिस चैप्टर. बट हम लड़ेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम फोड़ देंगे इसको. चलिए, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, देखते हैं क्या लिखा है. द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 इनवॉइसेज इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कमिंग इनटू बीइंग थ्रू इनकॉर्पोरेशन. के इनकॉर्पोरेशन से ही आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था. सुनना कैसे, इन अदर वर्ड्स, पार्टीज टू एन अग्रीमेंट कुड अग्री टू आर्बिट्रेट बाय रेफरिंग टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है तो वही वाला फॉलो करते हैं. द रिक्वायरमेंट इज दैट द रेफरेंस मस्ट लीव नो डाउट इन द माइंड ऑफ द रीडर दैट द पार्टीज इंडीड वांट टू इनकॉर्पोरेट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इनटू अग्रीमेंट बिटवीन देम. खत्म. क्या कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रेफरेंस से भी हो सकता है, बस एक चीज होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट. पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, कि दोनों पार्टीज का माइंड कंसेंसस एड इडम, दोनों पार्टीज का माइंड इस बात पे क्लियर है कि कोई भी डिस्प्यूट हुई तो हमें वो आर्बिट्रेशन के पास लेके जानी. तो क्लैरिटी ऑफ कंसेंट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट.
अब एग्जाम्पल समझ लो, मान लीजिए मेरा और आपका ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, हमारा ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, या फिर हमारा एक सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी है, ठीक है, और हम लोग 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, बोथ ऑफ अस आर ओनली स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, एक नई कंपनी फॉर्म करके, एक नई एंटिटी फॉर्म करके, जेवी फॉर्म करके, एसपीवी फॉर्म करके, कुछ भी फॉर्म करके, मैं एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने क्या किया उस नए बिजनेस के अग्रीमेंट में भी क्या लिख दिया, दैट ऑल द डिस्प्यूट्स विल बी हैंडल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन इन रेफरेंस टू, और प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस दे दिया कि जैसे प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, सेम आर्बिट्रेशन क्लॉज विल अप्लाई टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो यहां पे हमने सेपरेटली पूरा आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा नहीं, ना सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन हमारे बीच में पहले से एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, हमने बस उसका रेफरेंस दे दिया कि नए बिजनेस पे भी सेम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हम फॉलो करने वाले। So you have to understand, you have to simply understand, arbitration by reference is nothing, but you can have an arbitration by a separate agreement, by a clause or by merely a reference. और कुछ भी doubt ना रहे उसके लिए यहां पर एक example in the form of question C. Read the example. There is no possibility कि यहां पर एक iota of doubt भी रह जाए। चलिए आपको बस इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज एज आई वाज सेइंग मोनोटोनस है थोड़ा सा चैप्टर, पेशेंस रखो, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इट विल बी क्रीम फॉर श्योर, एग्जाम में ये चैप्टर आपको परेशान नहीं कर पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो बस मस्ती में रीड करिए पहले। I guess you're done. समझ में आ रहा है आपको कि आपके अग्रीमेंट में क्या लिखा है, द परचेज ऑर्डर नोटेड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस वर टू बी एज पर द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, क्लॉज 15 ऑफ द टर्म्स प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आपने बस इतना सा लिख दिया, यू हैव गिवन अ रेफरेंस टू अनदर टर्म्स एंड कंडीशन, अनदर कॉन्ट्रैक्ट, कि वहां पे जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से फॉलो किया जाएगा, तो आपने रेफरेंस दे दिया है, बस आपने बस क्या दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है, और ये चलेगा, ये अलाउड है, आपने सिर्फ क्या दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है, दिस इज वेरी वेल अलाउड, दिस इज वेरी वेल अलाउड, खत्म। तो क्या एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, बिल्कुल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, बिकॉज रिटन है एंड क्लैरिटी है, देयर इज नो डाउट, यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि हम करेंगे नहीं करेंगे, क्लियरली कह दिया कि आर्बिट्रेशन होगा और उस क्लॉज के हिसाब से होगा, तो वहां पर है ना, तो आर्बिट्रेशन कैन इवन बी बाय रेफरेंस। पहले से बताती बात, कोई नई चीज नहीं पढ़ी हमने, बट सिंपल है। चलिए इसके बाद में आता है नया टॉपिक एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का लास्ट टॉपिक, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में टर्मिनेट कर दिया जाएगा, देखना एकदम आराम से। अब ये इस मामले में थोड़ा सा मॉड्यूल ने कैसा लिखा है, केयरफुली पढ़ना, इसमें जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो गलती कर सकते हैं, सुनना। लाइक द मैनर विच पार्टीज एंटर टू एन आर्बिट्रेशन, दे कैन ऑल्सो टर्मिनेट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, दस एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कुड बी पुट टू एंड बाय, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का अंत कैसे हो सकता है, पहला By mutual consent, सुनना भी अंदर का नहीं पढ़ रहा हूं, रुकना। पहला by mutual consent, कि दोनों parties agree करती है कि हाँ arbitration agreement cancel करते हैं, cancel करते हैं, अपन तो court में जाएंगे। By mutual agreement, arbitration agreement can be canceled। तो हमारे बीच में contract हुआ, हमने कहा कोई भी dispute हुआ तो we'll be going to arbitration। हम दोनों decide किया कि नहीं यार arbitration cancel करते हैं, अपन तो court में जाएंगे, चलेगा। So by mutual consent, we can strike down the arbitration clause। पहला point, कोई confusion की बात नहीं है, रुकना। Next, टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है, हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का भी एक अंत आ जाएगा। लेकिन सुनना, इसमें ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अगर ऐसा हुआ है इसका ही, यही ना राज एसी वाला एग्जाम्पल, इसको वापस रीड करेंगे एक बार। नॉर्मल रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी अब बंद हो जाएगा, अब काम क्या उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का। लेकिन लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और इसके कारण आप कोई एक्शन लाना चाहते हैं, तो उस पर आर्बिट्रेशन ही अप्लाई करेगा, उस पर आर्बिट्रेशन ही अप्लाई करेगा, बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सेपरेबिलिटी, के दोनों प्रोविजन अलग अलग है। अगर मान लीजिए सामने वाले ने डिफॉल्ट किया और मेन कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, मेन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, फिर भी हम उसके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन से प्रोसीडिंग ला सकते हैं। केयरफुली समझना है,
टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिलेशन टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपसे कोई गुड्स परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहां पे कोई डिस्प्यूट हुई तो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखा है. सो आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. सुनना, इफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड थ्रू डिस्चार्ज और निगोशिएशन, द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट्स विद द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाता है. बट अब आगे देखो, However, if the principal contract is breached, then the arbitration agreement survives because of the operation of doctrine of separability. कि अगर आपने principal contract को breach किया है, तो arbitration continue होता है. लेकिन अगर आपने principal contract को properly terminate कर दिया, तो साथ में arbitration agreement भी terminate हो जाता है. इसको समझने के लिए, read example 7 पूरा. जब मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल 7 रीड करवाया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी समझने के टाइम पे, जिसमें सिनेरियो 3 रेलेवेंट था, तो मैंने कहा था हो सकता है आपको 1 और 2 अच्छे से ना समझे. नाउ यू रीड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इन हियर. दीज एग्जाम्पल्स वुड बी सुपर वंडरफुल इन द एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है. केयरफुली रीड द एंटायर एग्जाम्पल. अजी रीडो, अग्रवाल साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखना होगा आपको, दोज आर द मींस ऑफ कैंसिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के ग्राउंड्स हैं ये, जो ऊपर आपको नोवेशन वगैरह दिया है. तो इफ यू सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू विल गेट द आंसर नोवेशन एंड डिस्चार्ज. बहुत समय हो गया ना, तो मैं समझ सकता हूं आपको भी, बहुत बचपन में पढ़ाई की होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. ओके, सो मैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आप क्या पूछ रहे हैं वैसे. चलिए यार, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मस्ती में ये पूरा का पूरा रीड किया होगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है. एक बार साथ में रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट है. राज एयर कंडीशनर सर्विसेज, बहुत ही बढ़िया बात है. एंड वोल्टास लिमिटेड, तो राज एंड वोल्टास एंटर इनटू अ सर्विस अग्रीमेंट वेयर इज राज वुड प्रोवाइड एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फॉर ऑल वोल्टास कमर्शियल एसी इन एनसीआर रीजन. तो एनसीआर रीजन के अंदर जो भी वोल्टास की एसी बिकेंगे उसकी सर्विसिंग कौन करेगा? राज, राज की एंटिटी. द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज द मैटर विल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन. तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, बहुत बढ़िया. सिनेरियो 1, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द सर्विस अग्रीमेंट वॉज नॉट रिन्यूड, द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट्स एंड अलॉन्ग विद इट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. पहला पॉइंट क्या है कि 3 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एंड, पैरेलली द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ऑल्सो कम्स टू एंड, दोनों साथ में खत्म हो जाते हैं, लॉजिकल. सिनेरियो 2, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द टू पार्टीज एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड ईयर में उन्होंने क्या किया, एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ठीक है ना, which replaces the existing service agreement, जिससे उन्होंने existing service agreement को हटाया और नया agreement enter किया, वोल्टास और राज ने. The new contract does not have an arbitration agreement. नए contract में arbitration agreement नहीं है. The arbitration agreement contained in the superseded service agreement does not survive. Obvious ही बात है. अब जब नए contract में arbitration agreement है ही नहीं, तो जब पिछला contract का end हुआ था, तब वो contract भी खत्म हो गया, उसका arbitration agreement भी खत्म हो गया. तो ये सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 बहुत लॉजिकल सिनेरियो, सिंपल है, कि जब मेन कॉन्ट्रैक्ट का एंड होता है, व्हेन द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज आल्सो डिस्चार्ज्ड. व्हेन द मेन अग्रीमेंट इज डिस्चार्ज्ड, द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज आल्सो डिस्चार्ज्ड. अब सिनेरियो 3 समझना, यहां पे मेन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड, द मेन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड, द मेन अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड. देखो क्या लिखा है. Scenario 3, Voltas raised a dispute with Raj as regard quality of service provided and terminates the agreement. Voltas ने राज की क्वालिटी में कुछ नुस्ख निकाले और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, ब्रीच हुआ है.
ब्रीच हुआ है तो अब इनके बीच में डिस्प्यूट है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है तो ये डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल बी अलाइव बिकॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज देयर. हियर ओइंग टू सेपरेबिलिटी डॉक्ट्रिन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सर्वाइव्स टू अलाउ पार्टीज टू आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट. आई होप समझ में आ रहा है. और जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा है कि नहीं सर एकदम एकदम फॉर्मूला वाइज बता दो तो फॉर्मूला वाइज आपको समझना है तो भी बहुत आसान है. सुनना ध्यान से. इफ द मेन अग्रीमेंट, जो आपका मेन अग्रीमेंट है, इट इज डिस्चार्ज्ड, वो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हुआ है कि आपने उसको कैंसिल किया, प्रॉपर डिस्चार्ज हुआ है मेन अग्रीमेंट, देन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज ऑल्सो डिस्चार्ज्ड. क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी अंत हो गया? बट इफ द मेन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड, इट इज ब्रीच्ड. कि मेन अग्रीमेंट को आपने ब्रीच हुआ है, कोई वॉयलेशन हुआ है, देन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज स्टिल अलाइव. क्योंकि अगर ब्रीच हुआ है तो भले ही मेन अग्रीमेंट ब्रीच के कारण आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके डिस्प्यूट को अभी भी हैंडल करना बाकी है ना, उसका डिस्प्यूट इज येट टू बी हैंडल. तो नॉर्मली व्हेन द मेन अग्रीमेंट इज डिस्चार्ज्ड, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज ऑल्सो डिस्चार्ज. हमने सिनेरियो 102 देखा. सिनेरियो 102 में क्या हुआ कि हमारा टेन्योर खत्म हो गया, कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, आर्बिट्रेशन भी मेन भी. सेकंड के अंदर हमने नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, वी एंटर्ड इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, वी एंटर्ड इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज था, यहां पे रखा ही नहीं है, तो पुराना खत्म, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी खत्म. सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली सेट विदाउट एनी डिस्प्यूट, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है विदाउट रीजिंग एनी डिस्प्यूट, तो वहां पे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी साथ में ही एंड हो जाता है. बट अगर किसी डिस्प्यूट के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है तो वहां पर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, ब्रीच्ड. तो उस सर्कमस्टेंसेस में जो डिस्प्यूट है वो तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हैंडल करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. यस सुमित, यस सुमित, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, रहता है, ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा जी, चलिए. तो ये हो गया हमने क्या पढ़ा कि किन किन ग्राउंड्स पे, किन किन ग्राउंड्स पे टर्मिनेट हो सकता है, किन किन ग्राउंड्स पे टर्मिनेट हो सकता है. तो दो चीजें पढ़ी हमने, सुनना अभी तक, दो चीजें क्या पढ़ी, बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट हो सकता है, और पहला हो गया बाय टर्मिनेशन ऑफ द मेन अग्रीमेंट. अगर मेन अग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया तो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जनरली टर्मिनेट हो जाता है. एक्सेप्शन है उसके अंदर कि अगर मेन अग्रीमेंट में ब्रीच हुआ है, कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर कंटिन्यू किया जा सकता है, वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट वर्ड, डेथ ऑफ पार्टीज. अब सुनना, ये फर्स्ट रीडिंग करके क्या लगेगा कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, किन किन केसेस में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है, थर्ड पॉइंट डेथ ऑफ पार्टीज. तो एक जल्दबाजी में आप क्या बोलोगे, ओके डेथ ऑफ पार्टी के केस में भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है. जी नहीं, ऐसा नहीं है. केयरफुली देखो क्या लिखा है. अंडर द इंडियन लॉ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी, इट शैल बी एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड. के किसी भी पार्टी की अगर डेथ हो गई है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वहां पे टर्मिनेट नहीं होता है. टॉपिक क्या चल रहा है, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट कर सकते हो, व्हेन द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है जनरली, थर्ड डेथ ऑफ पार्टीज. तो यहां पे आगे क्या लिखना है, नहीं, डेथ ऑफ पार्टीज से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होता है, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इन्फोर्स हो जाता है. क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन, उसकी डेफिनेशन दे रखी, ठीक है, पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो डिसीज पर्सन के एस्टेट को हैंडल कर रहा है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स, इंटरमेडल्स का मतलब इंटरफियर, इंटरमेडल्स का मतलब इंटरफियर, इंटरफियर विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज, कोई भी व्यक्ति जो इंटरफेयर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, एंड वेयर अ पार्टी एक्ट्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन हुम द एस्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो एक्टिंग. तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कर रहा था तो जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टी जा रही है बाद में, ट्रस्ट वगैरह के केस में, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे बाद में मेरे एस्टेट को जो संभालने वाला है, मेरा एस्टेट जिसको मिलने वाला है, वो हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सो द टॉपिक हियर इज इवन इफ अ पार्टी इज डाइड द कॉन्ट्रैक्ट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल नॉट बी टर्मिनेटेड, इट विल बी कंटिन्यूड, इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इट शैल बी इनफोर्स by or against the legal representative of the deceased. And last point काफी आसान रहता है, by operation of law. An arbitration agreement can be extinguished by the operation of law by virtue of which any right of action is extinguished. तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट मैं आपको एक बार इतना समझा देता हूं कि अगर कहीं पे आपका right of action ही extinguish हो गया by operation of law, right of action ही extinguish हो गया by operation of law, तो वहां पे automatically आपका arbitration agreement भी extinguish हो जाएगा, terminate हो जाएगा. कहने का मतलब है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें करना था, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी ड्यूटीज थी, नाउ दैट इज ओनली नॉट अलाउड,
तो ऑटोमेटिकली हमारा मेन अग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा. यू कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक आई हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन महाराष्ट्र. आई हैड लॉन्ग बैक से फॉर एग्जांपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन महाराष्ट्र टू सेल टोबैको, टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट टोबैको का मेरा अग्रीमेंट था. ठीक है, अग्रीमेंट हो गया. उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद, तीन साल बाद हमारा अग्रीमेंट था 10 साल का, 5 साल का. 2 साल बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोबैको का डिस्ट्रीब्यूशन ही बैन कर दिया. राइट, तो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो चुका है, मेन कॉन्ट्रैक्ट माय राइट ऑफ एक्शन एक्सटिंग्विश हो चुका है. तो ऑटोमेटिकली बिकॉज व्हेन योर राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण ही आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, नॉट अ बिग डील, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो क्या है यहाँ पे, बहुत आसान चीज है. मैं इसलिए कहा कि मैं आपको एक सिनॉप्सिस वाले नोट्स दूंगा कि यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कुछ दिया है, बट एक्चुअली बहुत आसान है. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड ऑन 4 ग्राउंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड ऑन 4 ग्राउंड्स अप टिल नाउ. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड ऑन 4 ग्राउंड्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज अगर अग्री करते तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड. देखो बेटा जी क्या लिखा है यहाँ पे, लाइक इन एनी कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज इन्वॉल्व कैन जॉइंटली अग्री टू पुट एन एंड टू पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. दोनों पार्टीज चाहती है तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से कर सकती है. उसके बाद में हमने पढ़ा इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है. उसका एक्सेप्शन है डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी में कि मेन कॉन्ट्रैक्ट जो एंड हुआ है ना ब्रीच पे हुआ है, डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो अगर एक डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट पहले आर्बिट्रेशन से खत्म होगी फिर आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जाएगा डॉक्टर ऑफ सेपरेबिलिटी के कारण. फिर लास्ट हमने पढ़ा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपका राइट ऑफ एक्शन ही एक्सटिंग्विश हो चुका है तो ऑटोमेटिकली आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है, मेन कॉन्ट्रैक्ट बंद हो चुका है तो ऑटोमेटिकली आपका आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी यहां पे डिसॉल्व हो चुका है. फोर्थ पॉइंट जो है ना वो है डेथ ऑफ द पार्टी. तो यहां पे ध्यान रखना है दिमाग में, जल्दबाजी में ऐसा नहीं लिखना है कि पार्टी की डेथ होगी तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो गया. नहीं, डिस्पाइट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल नॉट बी टर्मिनेटेड, इट विल बी एनफोर्स्ड ऑन और बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इतना आसान टॉपिक है ना, ये बस इन्होंने लिखने के तरीके में आपको परेशान कर दिया, अदरवाइज दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. सो दिस इज हाउ टर्मिनेशन, दिस इज हाउ टर्मिनेशन, दिस इज हाउ टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फंक्शंस. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. हमें पढ़ना है सबसे पहले आर्बिट्रेशन के अंदर इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में 3 मेजर टॉपिक. वैसे 3 टॉपिक पढ़ लिया ना तो आपकी लाइफ सफल है. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर, और लास्ट ईयर आर्बिट्रेशन अवार्ड. तो हमने यहां पर सबसे पहली चीज पढ़ ली है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सुपर इजी है, देखना एक बार फटाफट से हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या क्या पढ़ा. अगर मैं शुरू करता हूं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में, तो सबसे पहले ये यहां से आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शुरू होता है. पहले उन्होंने बेसिक आइडिया दिया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या होता है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैसा हो जाए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपका राइटिंग में होना जरूरी है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, एक सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, रेफरेंस से हो सकता है, आपके ईमेल्स वगैरह किसी से भी हो सकता है. ये सब हमने पढ़ा. फिर उन्होंने वही चीज वापस बताई, ये देखो ये जो हमने पढ़ा कि भाई साहब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, इट शुड बी इन राइटिंग, डॉक्यूमेंट शुड बी साइन बाय द पार्टी, साइन मैंडेटरी नहीं होता, हमने आगे पढ़ा, इट कैन बी बाय लेटर, टेलीग्राम, अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कहीं से भी हो सकता है. आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन विद कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, तो आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा तो भी क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, रेफरेंस के फॉर्म में हो सकता है, सेपरेट अग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये पढ़ा हमने, ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन अग्रीमेंट. बड़ा क्लियर था, अगर आप कह रहे हो कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होगी तो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, दैट इज अ नॉर्मल आर्बिट्रेशन क्लॉज, और हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे बीच में एक डिस्प्यूट हो गई है, बट रादर देन गोइंग टू कोर्ट वी वांट द डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन. तो डिस्प्यूट ऑलरेडी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व हो, तो उन सर्कमस्टांसिस में दैट इज नोन एज सबमिशन अग्रीमेंट. तब आप अग्रीमेंट करते हैं सबमिशन अग्रीमेंट. फिर एग्जांपल्स इन्होंने बहुत अच्छे से. फिर आए जनरल प्रिंसिपल. जनरल प्रिंसिपल बहुत ही आसान, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पहला, इट हैज टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर आगे कंसेंसस एडेंडम, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए सेम माइंड पे, क्लैरिटी ऑफ थॉट नो डाउट. फिर आगे आउटस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं यहां पे, यू आर टेकिंग अवे द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन छोड़ के आर्बिट्रेशन होगा, तो इसके लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट मैंडेटरी है. डॉक्टर ऑफ सेपरेबिलिटी, हमने पढ़ा कि कभी कभी ऐसा हो गया कि आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिल भी हो रहा है लेकिन उसमें एक डिस्प्यूट पेंडिंग रह गया है, तो वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से खत्म होगा, फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैंसिल होगा बिकॉज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. फिर पढ़ा कॉम्पिटेंसी टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो हमने पढ़ा कि यहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज द कॉम्पिटेंसी टू इवन रूल ऑन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, कि कोई केस वो हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये भी कौन डिसाइड करेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगा. फिर आए रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग में होना मैंडेटरी है, राइटिंग में होना मैंडेटरी है. उसके बाद में क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, के दोनों पार्टी से कंसेप्ट सेम चीज पे होना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ा.
उसको लेके भी एग्जांपल है, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, ये हमारे एक्ट में कहीं नहीं लिखा, बट इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि उसको ठोक देना, सुपारी दी है, और उसके लिए मैंने कहा कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया ना तो हम आर्बिट्रेशन सॉल्व करेंगे, नहीं चलेगा, इट हैज टू बी अ लीगल रिलेशनशिप, फॉर इलीगल थिंग्स आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है। फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, जो भी हमने अवार्ड पास किया है इट हैज टू बी फाइनल एंड बाइंडिंग बाय अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। स्पेसिफिक वर्ड, सिर्फ कुछ वर्ड्स का आपने इस्तेमाल कर दिया अपने अग्रीमेंट में, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दिस डज नॉट मीन क्या देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्लियर लैंग्वेज, क्लियर स्पेसिफिक थॉट होना चाहिए, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विल बी रेफरिंग इट टू आर्बिट्रेशन। तो सिर्फ वर्ड्स यूज करने से नहीं होगा, क्लियर क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कह रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर, दोनों प्रकार की डिस्प्यूट हो सकती है। आर्बिट्रेबिलिटी, कि जो डिस्प्यूट हो रहा है दैट शुड बी आर्बिट्रेबल, बिकॉज देर आर सर्टन डिस्प्यूट्स इन इंडिया जिन पे आर्बिट्रेशन अलाउड नहीं है, एग्जाम्पल क्रिमिनल डिस्प्यूट्स वगैरह, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, टेस्टामेंट्री अफेयर्स, तो इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर आर्बिट्रेशन अलाउड नहीं है। सिग्नेचर, सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी, डिपेंड करता है, अगर आपका एक सेपरेट अग्रीमेंट है तो सिग्नेचर होगा, अदरवाइज सिग्नेचर नहीं, ईमेल वगैरह होगा तो सिग्नेचर होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब पढ़ा, उसके बाद में अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट रेफरेंस के थ्रू भी हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, टर्मिनेशन में चार पॉइंट पढ़ लिए हमने, बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी चाहती हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज हटा दिया जाए, हटा दिया जाएगा, राइट, बाय कैंसिलेशन ऑफ द मेन अग्रीमेंट, मेन अग्रीमेंट ही कैंसिल हो चुका है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, वो ध्यान रखना है बस। उसके बाद बाय डेथ ऑफ पार्टी, नहीं नहीं नहीं, बाय डेथ ऑफ पार्टी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होता, इट इज डिवॉल्व्ड ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड हियर वी आर ऑन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। आई एम टेलिंग यू ना, जब इसका मैं आपको सिनॉप्सिस बताऊंगा तो आपको लगेगा ये पढ़ने में हमने दो तीन दिन लगा दिए, इट इज सो सुपर इजी, इट इज जस्ट यहाँ पर उन्होंने इतना रेपिटेशन दिया है ना, जब आपने अगर घर पे कल रीड किया होगा यू विल सी सेम चीज बार 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 लिखी है, दैट्स द प्रॉब्लम। लेट्स हिट टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, शैल वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, शैल वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, यारों दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे क्या? And the second topic is going to be arbitral tribunal. नहीं नहीं बेटा जी, आप लोग ऐसे पेजेस फ्लिप मत करोगे, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका सिनॉप्सिस में एक पेज में लिखा दूंगा, आपको जो याद रखना है that will be hardly one page. जो आपको याद रखना है अपने मगज में ना वो एक पेज होगा, बट ये इतना ज्यादा घुमा घुमा के बोलते हैं सेम चीज, अभी आप देखना ना सेम चीज बार बार बोलेंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में हमको क्या पता है, मैं पहले से बता देता हूं, हमें पता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब क्या, आर्बिट्रेटर, ठीक है, फिर हमें पता है कि आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी अपॉइंट करती है, दोनों की कंसेंट से होना चाहिए, ठीक है, दोनों की कंसेंट से होना, ठीक है, या तो दोनों पार्टीज खुद अपॉइंट करती है या फिर दोनों पार्टीज किसी और को अपॉइंट करती है कि तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों पार्टीज ने एक एंटिटी का नाम लिख रखा है कि दे विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर, ये हो सकता है। फिर हमने कहा कि आर्बिट्रेटर जो है ना 1, 3, 5 ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 2, 4, 6 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टाई का रिस्क आ जाता है। फिर हमने कहा आर्बिट्रेटर बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल पार्टी होना चाहिए, दोनों की कंसेंट पे अपॉइंट होगा, एक ने भी मना किया तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होगा, ये सब चीजें हमको पता है। यही चीज घुमा घुमा के वापस बोलने वाला है, अरे भैया जी आपका दिमाग खराब हो जाएगा, 100% फोकस यहां पे आ जाओ। चलिए यार, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है यार, यस पीपल, लेट्स हिट इट, लेट्स हिट इट, द नेक्स्ट थिंग इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फोकस हियर। A unique feature of arbitration is the ability to have the dispute adjudicated by neutral, fair, unbiased and competent adjudicator. सब कुछ हमें पहले से पता है। हाँ, एक और बात खास, ये एक चीज पे इतना फोकस करने वाले हैं ना, जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, दैट नॉर्मल कोर्ट में जज इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, हमारे हाथ में थोड़ी होता है जज सिलेक्ट करना, बट आर्बिट्रेशन में वी हैड टू सिलेक्ट द आर्बिट्रेटर, वाह, इसको बोलेंगे कम से कम 25 बार ये लोग, देखना आप लोग दीवाने हो जाओगे। चलिए यार, पहली चीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, an arbitrator or arbitral tribunal performs the function of a judge, bahut badhiya hai, in other words, bhai sahab ekdam bcom ka language aa raha hai, in other words, in nutshell, so in simple terms we can say that, wahi cheez char baar likh rahe hain, aa jao, in other words, an arbitrator adjudicates, judges the dispute between the parties, ki ek arbitrator karta kya hai, parties ke beech mein adjudicate kar raha hai, bahut achhi baat hai, judge kar raha hai। The term arbitrator arbitral tribunal are interchangeable and refers to the same person or group of person. Oh, ये तो हमें पता ही नहीं था। Arbitrator and arbitral tribunal are one and the same. Thus, there could be one arbitrator. या तो आपके यहाँ पर एक arbitrator हो सकता है, या फिर more than one भी हो सकते हैं। Both would be referred as arbitral tribunal. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया, even sole arbitrator will be termed as arbitral tribunal. Even a sole arbitrator will be termed as arbitral tribunal. Okay, so life is easy up till here, we have not understood, we have not read anything new, jo pehle ka tha bhai tha, chalo dekhna, a unique feature of arbitration, unlike court,
कोर्ट के जैसे नहीं, अनलाइक कोर्ट, अ यूनिक फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन इज बेस्ड एडजुडिकेशन, दैट इज द पार्टीज गेट टू सिलेक्ट देयर आर्बिट्रेटर. हो पार्टीज खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं. हाँ, हम दोनों में डिस्प्यूट हुआ ए और बी के बीच में, ए एंड बी कैन अपॉइंट आर्बिट्रेटर, के हम अपॉइंट करेंगे, दैट हु इज गोइंग टू बी द आर्बिट्रेटर, दोनों मिलके, किसी एक नहीं, दोनों मिलके. या फिर देखो आगे क्या लिखा है, और डेलीगेट टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीसी, फिक्की, आईसीएडीआर, ये सब आपको आगे मिलेगा, आईसीडीआर वगैरह, ये किसका है, इन्हीं का, एज एन आर्बिट्रेशन का ही एक एसोसिएशन है. तो आगे पूरा फुल फॉर्म वगैरह आपको मिलेगा, लोड लेने की बात नहीं है. ये जो आपका ये कोई भी इंस्टीट्यूशन है ऐसा, सो आप डेलीगेट कर सकते हैं टू एन इंस्टीट्यूशन लाइक दिस द पावर टू अपॉइंट ऑन देयर बिहाफ. समझना ध्यान से, आज मान लीजिए मारुति एंड एमआरएफ के बीच में एक अग्रीमेंट है दैट एमआरएफ विल बी सप्लाइंग सो एंड सो नंबर ऑफ टायर्स एज रिक्वायर्ड बाय मारुति एवरी ईयर वगैरह वगैरह, ऐसा अग्रीमेंट किया हुआ है. सुना ध्यान से, उसमें लिखा है इफ देयर विल बी अ डिस्प्यूट, इफ देयर विल बी अ डिस्प्यूट इट विल बी रिसॉर्टेड बाय आर्बिट्रेशन, इट विल बी रिसॉर्टेड टू आर्बिट्रेशन एंड 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 the president of ICAI, the president of ICAI will be appointing the arbitrator. ऐसा नहीं लिखा है that the president of ICAI will be the arbitrator, नहीं, the president of ICAI will be appointing the arbitrator. So ऐसा भी होता है, हाँ, दोनों parties या तो वहां पर arbitrator को decide करेंगी कैसे appoint करना है, या फिर they can even designate someone that someone will be appointing the arbitrator. ये भी होता है, बहुत क्लैरिटी समझना मजा आएगा. अभी तक आपको अपने माइंड को ओपन रखना है कि आप जब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं तो इधर यू कैन डिसाइड द आर्बिट्रेटर, यू कैन कीप द पावर बाय योरसेल्फ, कि जब डिस्प्यूट होगा तब हम लोग आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे, जब डिस्प्यूट होगा तब हम लोग आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगे चलेगा. या फिर यू कैन इवन डेजिग्नेट समवन इन योर कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, अग्रीमेंट में डेजिग्नेट कर लिया कि डिस्प्यूट होगा तो ये पार्टी जो है, ये जो नाम लिखा है, ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी. ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है. क्लियर है? This is considered to be a key advantage as the parties can choose the person who will adjudicate the dispute as compared to a court-based system. वापस वही बात कि इससे हमें मौका मिलता है कि हम अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को, और कोर्ट में तो देखो मौका नहीं मिलता है. Court-based system where they have no control over the judge. The point that an arbitrator adjudicates the matter is important to understand. In other words, an arbitrator does not simply express an opinion based on the material given to him. In fact, that would be an expert evaluation. कि जो arbitrator करता है वो एक expert evaluation होता है. Rather, the arbitrator work like a judge before whom the parties present their dispute, submit evidence, produce witness, and the arbitrator applies the law to the dispute and decides in a judicial manner. So, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि arbitrator करता क्या है? Arbitrator वही जैसे judge काम करता है वैसे arbitrator काम करता है. But the benefit here is that arbitrator जो है ना, he is appointed by the parties. के parties ने अपना arbitrator select किया है. पार्टीज ने अपना आर्बिट्रेटर सिलेक्ट किया, और उसके बाद में आर्बिट्रेटर काम तो जज जैसे ही करता है कि दोनों पार्टीज की पूरी बात सुनेगा और उसके बाद में अपना जुडिशियल ओपिनियन देगा, जुडिशियल ऑर्डर पास करेगा. देयरफॉर इवन थ्रू अ प्राइवेट एडजुडिकेटर द फंक्शन इज परफॉर्म्ड टू स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू पब्लिक फंक्शनरीज लाइक जजेस. कि भाई वो प्राइवेट एडजुडिकेटर है लेकिन फंक्शन फॉलो किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि एक पब्लिक फंक्शन, जैसे कि कोर्ट काम करता है. सुनना, ये जो पूरा पढ़ लिया इसकी समरी क्या है, इसकी समरी इतनी सी है कि आर्बिट्रेशन में द बेनिफिट इज यू गेट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर. तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है दैट यू गेट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, दैट यू गेट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर. बट इसका मतलब ये मत समझो कि हम अपॉइंट करते तो एकदम ही इनफॉर्मल होगा. बिल्कुल थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है लेकिन स्टिल दे फॉलो ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ. तो जैसे जज काम करता है उसी प्रकार से काम करता है, बट यू गेट टू अपॉइंट हिम. एकदम जनरल बात. चलो उसके बाद में देखो, पीछे पड़ गए छोड़ ही नहीं रहे. देर आर अदर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस टू द अबिलिटी ऑफ पार्टीज टू चूज देयर आर्बिट्रेटर. और भी एडवांटेजेस हैं हमें चूज करने का. एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या होता है कि हम लोग अपनी फील्ड का कोई व्यक्ति चूज कर सकते हैं ना, भले अनरिलेटेड टू अस, बट द पर्सन विल हैव अ नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, तो ही विल बी एबल टू आर्बिट्रेट इन अ बेटर फैशन. देखना क्या लिखा है. देर आर अदर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस टू द अबिलिटी ऑफ पार्टीज टू चूज देयर आर्बिट्रेटर. पार्टीज हैव मोर कॉन्फिडेंस बोथ इन द आर्बिट्रेटर्स एंड देयर डिसीजन. हमने ही अगर अपॉइंट किया तो हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलाइक अ कोर्ट विच हैज द अबिलिटी टू फोर्स पार्टीज टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर, सक्सेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज. बिकॉज आर्बिट्रेशन का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, कोर्ट जैसा नहीं है कि एक पार्टी बहुत दुखी दूसरी पार्टी बहुत खुश. आर्बिट्रेटर हमने ही अपॉइंट किया तो आर्बिट्रेटर कोशिश करता है कि अपना ऐसा ऑर्डर पास करे दैट द पार्टी शुड बी हैप्पी, बोथ द पार्टी शुड बी हैप्पी, इट शुड बी अ विन विन. तो आर्बिट्रेशन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोऑपरेशन से काम हो. तो वो जजेस में नहीं पाता और हमने अपॉइंट किया तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहां पे उसकी संभावनाएं ज्यादा है. देयरफॉर द पार्टीज मस्ट
ट्रस्ट द आर्बिट्रेटर टू रिमेन न्यूट्रल एंड फेयर टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन द आर्बिट्रेशन, के उसको एकदम न्यूट्रल और फेयर तरीके से काम करना है. द क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रेटर विल अल्टीमेटली बिकम नॉट ओनली द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस बट ऑल्सो द आउटकम इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. कि जितने अच्छे से आर्बिट्रेटर काम करेगा उतने अच्छे से प्रोसेस फॉलो होगा, उतने अच्छे से अवार्ड आएगा. इन इंडिया अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज रेगुलेटेड बाय द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अननेसेसरी एक्ट पढ़ रहे हैं. द लॉ प्रिस्क्राइब्स वेरियस प्रोविजन फॉर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट मे अराइज इन अपॉइंटिंग और रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर. द डिफरेंट अथॉरिटीज विच हैव द पावर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. आपको याद आ रहा है मैंने लास्ट में एक चीज बताई थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अंडरस्टैंड, इफ इट इज अ केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तो कुछ केसेस में एक लास्ट रिसोर्ट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर. एंड इफ इट इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, देन हाई कोर्ट अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर. बट सर अभी तो आपने कहा कि पार्टीज सिलेक्ट करते हैं. जी हाँ, वही मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको कि जनरली तो पार्टीज ही सिलेक्ट करते हैं बट कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि दोनों पार्टी कंसेंसस पे आ ही नहीं पा रहे, दोनों पार्टी मिलकर किसी व्यक्ति को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे, इम्पॉसिबल हो गया. देन दे मेक अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट दैट हाई कोर्ट वी आर अनेबल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, यू प्लीज अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर. तो वहां पे हाई कोर्ट अपॉइंट करता है. तो वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं. अभी तक इन्होंने इतनी जनरल बात कर ली लेकिन एक भी टू द पॉइंट प्रोविजन नहीं पढ़ाया. अभी तक पूरी बात जनरल की है कि आर्बिट्रेटर कैसा है, फेयर होना चाहिए, एकदम ऐसे काम करना चाहिए, आर्बिट्रेटर हम ही अपॉइंट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उस पर ज्यादा होता है तो अच्छे से काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा. एकदम जनरल बात, नथिंग स्पेसिफिक और लीगल हैज बीन डिस्कस्ड. बट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ इज दैट पार्टीज हैव अ राइट टू अपॉइंट देयर आर्बिट्रेटर और दे कैन इवन अपॉइंट समवन, डेजिग्नेट समवन हु विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर. So parties can either themselves appoint the arbitrator or they can designate someone who will be appointing the arbitrator. अगर parties दोनों मिलकर appoint करते हैं तो दोनों का consent होना चाहिए, दोनों का consent होना चाहिए. अब ये practically कैसे होता है मैं आपको बताऊँ ना. तो मान लो मारुति और MRF है, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब आर्बिट्रेशन होना है. हमने डिसाइड नहीं किया था कि कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, तो हम लोग अब जैसे ही डिस्प्यूट हुआ है अब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहते हैं. तो मारुति ने क्या किया, 5 लोगों के नाम भेजे, XYZMN के MRF, इनमें से कोई भी एंटिटी अगर आपको चलती है आर्बिट्रेटर के लिए तो आप उसको अपॉइंट कर लेते हैं. तो MRF ने लिस्ट देखी, मान लीजिए MRF को लगता है हाँ इसमें से M जो है उसको अपॉइंट कर देते हैं. सो बोथ ऑफ देम हैव अग्रीड एंड M विल बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर. सेकंड, फॉर एग्जांपल MRF को 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी पसंद नहीं आया, तो MRF ने कहा इनमें से कोई भी अपॉइंट नहीं होगा. MRF ने 4 लोगों की लिस्ट बना के भेजी, ए मारुति तुम देखो इन चारों में से कौन सा अपॉइंट करना है. उन 5 को रिजेक्ट कर दिया MRF ने, बोला कि नहीं यार तो बायस है, वैसा है, कुछ ना कुछ रीजन है. MRF ने 4 लोगों की लिस्ट बनाई, मारुति को भेजी, इन चारों में से कुछ सिलेक्ट कर लो. मारुति ने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, दोनों के कंसेंट से अपॉइंट हो गया, चलेगा. मान लीजिए मारुति ने भी उन चारों को रिजेक्ट कर दिया, इन चारों अच्छे नहीं है, मारुति ने वापस 5-6 लोगों की लिस्ट दी, इसमें से किसी को अपॉइंट करो, MRF उसमें से किसी को पसंद कर लेता है. तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक, जब तक दोनों पार्टीज किसी एक नाम पे अग्री नहीं हो जाती. अब कभी कभी यहां पे एक इगोइस्टिक फाइट हो सकती है कि कोई भी अग्री नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उस केस में एक रेफरेंस दिया जाएगा हाईकोर्ट को, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाईकोर्ट को कि वी आर अनेबल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, यू प्लीज अपॉइंट द आर्बिट्रेटर. तो वहां पे हाई कोर्ट विल बी अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर. और वहीं अगर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस है तो यू विल बी मेकिंग अ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर एंड देन सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, इट्स सुपर सिंपल. चल नेक्स्ट पॉइंट, अननेसेसरी दिया हुआ पॉइंट है, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, कि आखिर आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, आखिर आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है. वन लाइनर आंसर है, देखो इन्होंने यहां से यहां तक लिखा है, वैसे तो मैं आपको वन लाइनर आंसर देता हूं. इन्होंने क्या लिखा है, एनी पर्सन, थियोरेटिकली एनी पर्सन हु कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी पर्सन हु इज लीगली अलाउड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, माइनर नहीं हो सकता जैसे कि, तो बाकी कोई भी व्यक्ति इसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हो सकता है थियोरेटिकली. बट प्रैक्टिकली एक ऐसा व्यक्ति को आप अपॉइंट करोगे जिसको आपके सब्जेक्ट नॉलेज है, आपके एरिया का नॉलेज है, आपके इंडस्ट्री का नॉलेज है और आपको लगता है उसके पास विजडम भी है, अनबायस तरीके से काम कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे. राइट, चलिए एक बार रीड करेंगे, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, एनी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन थ्योरी कैन बी एन आर्बिट्रेटर, कि कोई भी व्यक्ति केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी व्यक्ति हु इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन आर्बिट्रेटर. इन आवर डेली लाइव्स व्हेन वी हैव अ डिस्प्यूट विद आवर फैमिली मेंबर, और अ नेबर, पड़ोसी से झगड़ा हो गया या घर में झगड़ा हो गया, वी टेक द डिस्प्यूट टू एन एल्डर ऑफ द हाउस और द सोसाइटी हु डिसाइड्स द मैटर. कि मान लीजिए आपका घर में झगड़ा हो गया किसी से, तो आप घर में एल्डर के पास जाके बोलते हैं, ये देखो इन्होंने क्या किया, कल मैंने एग्जाम्पल लिया था,
राइट, मेरा मेरे भाई का अल्टो या बीएमडब्ल्यू, तो हम गए हमारे पिताजी के पास और पिताजी ने जो बोल दिया वो हमने मान लिया। या फिर मेरा मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो चुका है, हम लोग नोच रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर हमने कहा कि अब क्या करें, तो हम सोसाइटी के एक एल्डरली के पास जाते हैं। ऐसा तो नहीं दिखा होगा आपने, भगवान करे नहीं दिखा हो, सोसाइटी के एल्डरली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब क्या करें। सोसाइटी का एल्डर जो बोलता है हम उसकी बात मान लेते हैं, राइट, विलेजेस में ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। The elder essentially act as arbitrator and arbitrates the matter, कि प्रैक्टिकली हमारा arbitration भी वैसा ही है जैसे वहां पे आप दोनों voluntarily select करते हो ना किसके पास जाना है, आपका और एक व्यक्ति का झगड़ा हो गया, मान लो सुनो आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आप बोल रहे हो मेरे पापा के पास चलते हैं, वो एडजुडिकेट करेंगे, बोले कि भाई ये क्या बात हुई, वो बोल रहा है उसके पापा के पास चलते हैं, तो हमें कहा नहीं एक काम करते ना सुरेश के पापा के पास चलते हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास चलते हैं, उनसे एडजुडिकेट करा लेते हैं। सो दोनों क्या चाह रहे हैं कि ऐसा आर्बिट्रेटर हो जो अनबायस्ड ओपिनियन दे। अरे प्रैक्टिकली यही तो हम एक स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम में कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आर्बिट्रेशन इज अंडरस्टूड अंडर लॉ इज अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड, लेकिन हम जो आर्बिट्रेशन पढ़ने वाले वो ऐसा नहीं होने वाला है कि जो पड़ोसी में लड़ाई होगी या घर में लड़ाई होगी, इट इज अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड देन दिस सेटअप बट इट प्रोवाइड्स अ बेसिक आइडिया ऑफ द आर्बिट्रेशन, के बेसिक आइडिया तो सेम ही है कि दोनों पार्टीज विलिंगली किसी के पास चलेगी, उसने जो बोला वो दोनों पार्टीज फॉलो करने वाली है, बेसिक आइडिया वही है बस। हाँ आर्बिट्रेशन एक लीगल स्ट्रक्चर में आ जाता है कि हम दोनों मिलकर डिजिग्नेट करेंगे किसको अपॉइंट करना है, उसने जो ऑर्डर पास कर दिया वो फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। ये आर्बिट्रेशन के कुछ फीचर्स हैं। Since arbitration is a private arrangement, whereby when dispute arises, it would be submitted to a private party instead of court. अभी देखो ये क्या बता रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सेम चीज वापस रिपीट करते हैं कि आर्बिट्रेशन में आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप एक प्राइवेट पार्टी के पास जाओगे। अरे हाँ भैया, the arbitrator can be anyone who's capable of contracting with the parties. अरे ऊपर लिखा है ना यार। Next, under the contract, a person agrees to act as arbitrator and adjudicate any dispute between the parties that is submitted to him by the parties. वही बात वापस, कि आर्बिट्रेटर क्या करेगा, दोनों पार्टीज जो भी डिस्प्यूट सबमिट की उसको एडजुडिकेट करेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर आई वाज टेलिंग यू। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर, थियोरेटिकली एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन आर्बिट्रेटर। बोलो राधे राधे। चलो इधर आओ कदम। अब ये सी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% फोकस करना। सी आपको इतने समय समझेगा नहीं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये पार्ट आगे बढ़ता रहेगा ना आपको समझता जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आर्बिट्रेटर किस प्रकार से अपॉइंट होते हैं। अभी मैंने आपको क्या आइडिया दे रखा है, अभी तक क्या पढ़ाया है, अभी तक ये पढ़ाया है कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होंगे, या तो पार्टी से अपॉइंट करेगी, या तो पार्टी से अपॉइंट करेगी दोनों मिलकर, या फिर पार्टी किसी को डेजिग्नेट कर देगी जो अपॉइंट करेगा। ये आपके दिमाग में क्लियर है। फर्दर मैंने आपको बताया कि अगर पार्टी अपॉइंट नहीं कर पा रही है, हमने जिसको डेजिग्नेट किया वो भी अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, अगर अपॉइंट ही नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन मेक अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिपेंडिंग ऑन योर आर्बिट्रेशन का टाइप। अगर आपका डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, यू मेक अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट के आप अपॉइंट कर दो, और अगर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, यू मेक अ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट के आप अपॉइंट कर दो। आई होप यू क्लियर अप टिल हियर, ठीक है। चलो, एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। Party autonomy means the freedom to choose whether it is procedure, venue, the seat or the arbitrator. The parties have the right to choose the person. मैंने सही कह रहे हैं, मैंने लैपटॉप तोड़ देना अगर ये एक और बार बोले तो। वही बात वापस, the parties have the right to choose the person who would act as arbitrator in the dispute. भैया जी आज भी हमने तीन बार ऊपर से रीड कर लिया और कल हम दो तीन बार ये सेम, तो सेम लाइन रिपीट रिपीट रिपीट। However, this right to choose is not absolute, but instead is subject to certain limits that are provided under applicable law. That both the parties can appoint arbitrator, सही बात है, बट उसमें कुछ limits आती है, जैसे कि वो जो जिसको आप appoint कर रहे हो वो bias नहीं होना चाहिए, related नहीं होना चाहिए किसी से भी, उसके बाद में कि वो व्यक्ति eligible to enter into contract होना चाहिए, ऐसे कुछ limit है, उन limit का ध्यान रख लो तो दोनों parties मिलकर किसी भी व्यक्ति को arbitrator appoint कर सकते हो, कोई qualification prescribed नहीं है। सुनना, there are two aspects of appointment. Appointment के दो aspect रहते हैं, एक नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कि कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने, एंड द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कौन अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर में दो चीजें मेनली आपको पता होनी चाहिए, एक प्रोविजन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर का, ये मैं आपको बता चुका हूं समरी में कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर आपकी इच्छा है जो करो, लेकिन यहां पे तो पूरा डिस्कशन करेंगे, इनका टाइम बहुत है तो डिस्कशन करेंगे पूरा, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर एंड दूसरा प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए मैं ऑलरेडी आपको क्या बता चुका हूं, मैं आपको ये बता चुका हूं दैट नंबर सोल आर्बिट्रेटर रखो, सिंगल आर्बिट्रेटर है तो वो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रखेगा, या फिर आप तीन रखो, या फिर आप पांच रखो, या फिर आप सात रखो, जब भी आप नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रहे हैं तो उसको आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी उनको इवन नंबर्स में नहीं रखना है, ऑड नंबर्स में ही रखना है ताकि टाई ना हो, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहां पर डिस्कशन होगा कि आप बताओ कि कम होनी चाहिए ज्यादा, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी। अगर आप ज्यादा आर्बिट्रेटर रख देते हो तो उतनी आपको फीस देनी पड़ेगी ना हर एक को, तो फीस बढ़ता है, उसके बाद में डिस्कशन कभी कभी अननेसेसरी बढ़ जाता है, ये नुकसान है। वहीं उसके एडवांटेज भी, एडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो अलग अलग एरिया का एक्सपर्ट नॉलेज आता है, तो उनका डिस्कशन बेटर भी हो सकता है,
तो ये दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, इन सब का ध्यान में रखते हुए आपको नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर डिसाइड करना है। फिर प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, अभी तक मैं क्या पढ़ा चुका हूं वापस बताता हूं, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इज दोनों पार्टीज मिलकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, या फिर दोनों पार्टीज ने किसी व्यक्ति को डेजिग्नेट किया है तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, लेकिन अगर ये संभव नहीं हो रहा है सो देन दे कैन मेक अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। चलो अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है, देखते हैं इनके पास कुछ नया पढ़ाने के लिए है क्या। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 10, एंड में सिनॉप्सिस में मैं सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करूंगा, यहां पे आप अभी लोड मत लो ताकि वहां पे आपको ध्यान रहे कौन सा सेक्शन में क्या लिखा है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इज गिवन इन सेक्शन 10, क्या लिखा है, द पार्टीज टेंड टू हैव हाई लेवल ऑफ फ्रीडम व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी चूज़न एज आर्बिट्रेटर, कि हमारे पास फ्रीडम है, पार्टी ऑटोनॉमी है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने आर्बिट्रेटर रखना है, प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शेल नॉट बी एन इवन नंबर, आप अपने हिसाब से अपॉइंट करो लेकिन आप इवन नंबर अपॉइंट नहीं कर सकते वरना टाई हो जाएगा यार। There are many aspects that should be kept in mind at the time of appointing arbitrator. For instance, fees, complexity of the matter, time required for meeting, duration of session, when oral arguments should be made, etc. देखो ये सब भी तो है ना, अगर ज्यादा arbitrator होंगे तो time of the meeting में भी issue होगा, आज मैं free हूँ पर आज वो free नहीं है, परसों meeting रखते हैं एक व्यक्ति free नहीं है, so then delay भी तो होगा, time extra लगेगा, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पैसा तो extra लग ही रहा है, ध्यान में रखते हुए हमको decide करना है number of arbitrator. A specific problem that arises when there is more than one arbitrator is the difficulty faced while coordinating for the timing amongst the arbitrator. क्या लिख दिए कि अगर more than one arbitrator है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके timings ही match नहीं होते, जो एक को free है दूसरा व्यक्ति free नहीं है तो हमारा unnecessary arbitration delay होता रहता है, और वहीं अगर sole arbitrator है तो भैया जी जब वो free है तब दोनों parties पहुंच जाएंगे, दोनों parties के लिए तो ये priority है ना, तो दोनों parties तो काम छोड़ के पहुंचेंगे, but arbitrator के लिए तो दिन भर ये सब चल रहा है, so that is another problem. देखो क्या छोटा सा पॉइंट लिखा है कि टाइमिंग मैच नहीं होता, ये लिखा है उन्होंने मॉड्यूल में, इट बिकम्स इवन मोर प्रॉब्लमैटिक एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इंक्रीज होते हैं तो ऐसे प्रॉब्लमैटिक बढ़ता रहता है, सुनना मेरी बात को, लेकिन हमारा आईसीआई का मॉड्यूल कभी भी एक तरफा बात नहीं, देखो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आर्बिट्रेटर जितने कम हो उतना अच्छा है, प्रेफरेबली वन ही रखो, ये मेरा ओपिनियन है, बट हमारा मॉड्यूल ऐसा डायरेक्टली ब्लंटली बोल नहीं सकता ना, उसने हिंट तो दिया आपको कि देखो यार बहुत सारे लोगों का टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है, उनकी फीस बहुत देनी पड़ती है, सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होते हैं, हिंट दी, बट सिंस दिस इज अ मॉड्यूल आईसीआई का मॉड्यूल है तो आपको क्लियर नहीं बोल सकता उन्होंने बात को संभालने के लिए क्या बोला, लेकिन सुनो ज्यादा रखने के एडवांटेजेस भी हैं, क्या लिखा है, एट द सेम टाइम देर आर एडवांटेजेस टू हैविंग मोर देन वन आर्बिट्रेटर, मोर आर्बिट्रेटर रिजल्ट इन ग्रेटर डिस्कशन विच कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अवार्ड, ज्यादा आर्बिट्रेटर है एक होगा तो वो एकदम अपने आर्बिट्ररी कुछ भी करेगा ना, दो तीन लोग होंगे तो उसके अंदर ज्यादा बेटर डिसीजन निकलेगा, ठीक है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स ग्रेटर एक्सपर्टीज एज आर्बिट्रेटर्स मे बी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एंड बैकग्राउंड, कि आपको एक बढ़िया एक्सपर्टीज मिलेगा बिकॉज अलग अलग फील्ड के आर्बिट्रेटर हो सकते हैं तो आपका और ज्यादा बेटर एक्सपर्टीज मिलेगा। तो पहले पॉइंट में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, तो बोल रहे हैं कि कम भी रखोगे या ज्यादा भी रखोगे दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जो रखना है रखो लेकिन इवन नंबर मत रख देना, जो रखना है रखो लेकिन इवन नंबर मत रख देना। रीड कर लो एक बार ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल में से दम नहीं है, जनरली एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं इस मॉड्यूल के अंदर, ये जो एग्जांपल्स पढ़ रहे हो बहुत प्यारे हैं, बट ये एग्जांपल में दम नहीं है, एक बार रीड कर लो इस एग्जांपल को, एक बार रीड कर लो, यस पीपल चलिए, तो आई होप आपने पढ़ा होगा, कोई दम नहीं है इस एग्जाम्पल में, एकदम फुस एग्जाम्पल है कि भाई हाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीपल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड से होगा तो मजा आएगा बस, ठीक है चलो, एंड अगर हमें चाहिए तो हम उनमें से एक को आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये बस बता रहे हैं कि आप ओपन होते हैं, यू कैन अपॉइंट मल्टीपल पीपल एज आर्बिट्रेटर और यू कैन अपॉइंट वन पर्सन एज आर्बिट्रेटर, बस एक रूल का ध्यान रखना है कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना उस रूल के भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, हुआ क्या था अभी आपको बता रहा हूँ, आप आगे पढ़ने वाले हैं, कि वैसे रूल यही है कि इट इज़ ऑलवेज क्लियर दैट कभी भी इवन नंबर के आर्बिट्रेटर नहीं होने चाहिए, बट देर आफ्टर क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसने ये कह दिया कि इवन नंबर के आर्बिट्रेटर भी चलेंगे, बट प्रैक्टिस में आज भी इवन नंबर के आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होते,
ठीक है, तो एक जजमेंट जरूर है, वो भी आप देखोगे। उसने रूल क्लियर है, एक्ट क्या कहता है कि नहीं नहीं इवन नहीं आप मत रखो, इवन नहीं रखो, इवन नहीं रखो, बट एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कह दिया कि इवन आप रख सकते हो, बट फिर भी प्रैक्टिकली कोई इवन रखता नहीं बिकॉज उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन थ्रू अ प्राइवेट प्रोसेस आर्बिट्रेशन एंड इट्स आउटकम रिक्वायर स्टेट सपोर्ट एट डिफरेंट जंक्चर्स बट एट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनफोर्समेंट। समझना मेरी बात को अच्छे से, क्या लिख रहे हैं कि भले ही पूरा प्राइवेट प्रोसेस है, इवन द एंटायर प्रोसेस इज प्राइवेट, बट यहां पे आपको स्टेट की सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि इन्फोर्समेंट करना है। मान लीजिए दो पार्टी के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है और आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर पास किया दैट दिस असेट विल बी सोल्ड एंड मनी विल बी रिपेड। अब उस असेट को सेल करने के लिए, अटैच करने के लिए, तो आपको कोर्ट का अप्रूवल लगेगा ना। सो समझना ध्यान से, भले ही आर्बिट्रेशन एक पूरा प्राइवेट प्रोसेस है लेकिन इनको फिर भी स्टेट का एनफोर्समेंट की मदद, इन्फोर्समेंट के लिए मदद चाहिए होती है। एंड हेंस आर्बिट्रेशन में हर एक चीज आपको लीगली कंप्लायंट तरीके से करनी है। एंड हेंस आपको कोशिश करना है कि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर जो है, whosoever is the arbitrator should have a thorough knowledge of the arbitration act. उसको arbitration act का knowledge होना चाहिए, so that पूरा arbitration वो उसी legal framework में करेगा, ताकि बाद में आपको enforcement में problem ना हो। देखो क्या लिखा है, however state will only extend its support for legal outcome, therefore it is important that arbitrators are familiar with legal requirements specially under the Arbitration and Conciliation Act 1996, so as to ensure that the entire process and the outcome complies with all mandatory legal requirement. तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हो यहां पे, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि जो भी आर्बिट्रेटर है उसको आर्बिट्रेशन एक्ट के लीगल कंप्लायंस का ध्यान हो, ताकि उसका जो अवार्ड आता है, उसका जो ऑर्डर आएगा फाइनल में, इट शुड बी अ लीगली कंप्लायंट ऑर्डर, सो दैट द स्टेट विल बी रेडी टू इन्फोर्स इट। अगर आर्बिट्रेशन के ऑर्डर के अंदर, अवार्ड के अंदर कुछ लीगल कंप्लायंस नहीं है, कम है, तो स्टेट एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम होगा। फिर आप अगर बाद में कोर्ट के पास जाओगे इन्फोर्स करने के लिए, तो गलतियां निकालेंगे। एंड हेंस आर्बिट्रेटर शुड हैव अ फेयर नॉलेज, आर्बिट्रेटर शुड हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ द this thing of the arbitration act required compliances. Chale. Next, the act clearly, मैंने आपको क्या कहा, यही तो problem है कि वही चीज repeatedly बार 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 दिया रहो। तो सर एक काम करो ना, आप में बता दो और उसको read मत किया करो। अरे read बेटा जी, मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपका घर का एक चीज पूरा trouble कम हो जाएगा। अदरवाइज आप एक बार देखो, बिना module पढ़े तो theory subject में जाना blunder है, तो आपको एक बार तो पूरा read करना ही है। So let's do it in the class, otherwise it's so monotonous कि आप घर पे करोगे ही नहीं। तो 100% फोकस यहां पे वापस वही बात वापस लिख दी। क्या लिख दी वापस? The act clearly provides that there can be number of arbitrators so long as it is not even in number. क्या आपको रखना है वो रखो, बस आप even मत रखो। In other words, parties can decide on any odd number of arbitrator. अरे आपको समझ में आ रहा है बीकॉम का लॉजिक 100%? That parties, सुनो, देखो सुनो, even number नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप odd number of arbitrator appoint कर सकते हैं। So the same thing is repeated again. Okay? चलिए उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, ऑर्डिनरली इन एन आर्बिट्रेशन विद थ्री आर्बिट्रेटर्स। अब सुना सुना, अब अच्छी चीज समझने को मिलेगी कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। प्रैक्टिकली इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन जहां पे तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने, तो कैसे अपॉइंट होते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए वही एग्जाम्पल, MRF वर्स एंड मारुति, इनका एक अग्रीमेंट है, हमने कहा कि आर्बिट्रेशन होगा और तीन आर्बिट्रेटर होंगे। सुना अच्छा है, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं सुनना। MRF विल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, MRF गेट्स टू अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, मारुति गेट्स टू अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर। ओके, एंड ये जो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए ना, ये दोनों मिलके अपॉइंट करते हैं थर्ड आर्बिट्रेटर को। आई रिपीट अगेन, मान लीजिए तीन आर्बिट्रेटर, द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ सोल आर्बिट्रेटर। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ सोल आर्बिट्रेटर, बट यहाँ पे बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अगर आपने तीन डिसाइड किया तो कैसे होता है। थ्री आर्बिट्रेटर डिसाइड किया आपने, तो मारुति गेट्स टू अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, ओके, MRF गेट्स टू अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, एंड दीज टू आर्बिट्रेटर्स विल डिटरमिन द अपॉइंटमेंट ऑफ थर्ड आर्बिट्रेटर। सिमिलरली अगर फाइव है तो MRF विल अपॉइंट टू आर्बिट्रेटर, मारुति विल अपॉइंट टू आर्बिट्रेटर, एंड दीज फोर आर्बिट्रेटर्स विल डिटरमिन द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनल फिफ्थ आर्बिट्रेटर। दिस इज आवर फैक्ट प्रैक्टिकली फंक्शंस। देखो क्या लिखा है, ऑर्डिनरली इन एन आर्बिट्रेशन विद थ्री आर्बिट्रेटर ईच पार्टी शेल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर शेल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर हु शेल एक्ट एज द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। वही चीज, जो दो मिलकर तीसरे को अपॉइंट करो, तीसरा होगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, एक जना मैनेजमेंट भी हैंडल करता है, तो तीसरा होगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। द रीजन इज ऑब्वियस दैट देयर कैन बी अ डिसीजन बाय मेजोरिटी, इफ देयर इज इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर देन देयर इज पॉसिबिलिटी देयर माइट बी अ टाई। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 छोटा सा है, इफ देयर आर टू आर्बिट्रेटर देन इट इज पॉसिबल दैट द टू आर्बिट्रेटर मे नॉट अग्री इन विच केस देयर विल बी नो डिसीजन। तो इस कारण से कभी भी आपने अलाउड नहीं है इवन नंबर रखना। चलो बहुत अच्छा, सेक्शन नंबर 10, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइडेड द सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। सेक्शन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा है अबाउट नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, कि आपकी इच्छा है उतने अपॉइंट करो, लेकिन ध्यान रखना आप इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। अरे सर मैं सही कह रहा हूं, मैंने लैपटॉप तोड़ देना है, वही बात ये लोग वापस बोल रहे हैं। नेक्स्ट,
फेलिंग द डिटर्मिनेशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। अगर आपने कुछ भी डिटरमिन नहीं किया तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि सोल आर्बिट्रेटर है। अगर हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट वी आर अपॉइंटिंग अ सिंगल आर्बिट्रेटर एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। अब ये देखो, ये बहुत खास बात है, ये बहुत खास बात है जो मैं आपको बता रहा था, फोकस करना अच्छे से। हाउएवर इन अ रैदर इंटरेस्टिंग जजमेंट इन नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेज निकुंज कुमार लोहिया, आपने मुझसे पूछा था कि सर हमें क्या ये जजमेंट के नाम याद रखने हैं, तो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर के एंड में मैं आपको मार्क कराऊंगा कि कौन कौन से जजमेंट के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेज निकुंज कुमार लोहिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुना, इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इज एन एक्सेप्टेबल पॉसिबिलिटी। एक्ट क्या कहता है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं चलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट ऑफ लोहिया वर्सेस लोहिया ऐसा कह चुका है दैट इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी एक्सेप्टेबल। अमंग द मेनी रीजंस पुट फॉरवर्ड द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट वाज पॉसिबल दैट द टू आर्बिट्रेटर मे नॉट डिसअग्री इन विच केस देयर वुड बी कंसेंसस एंड नो डिसअग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये हो भी तो सकता है कि दोनों आर्बिट्रेटर में डिसअग्रीमेंट नहीं हो और दोनों साथ में अग्री हो जाएं, हो तो सकता है और इस कारण से कंसेंसस हो जाएगा। Also, it was not correct to permit parties to proceed with the arbitration and raise objection only when the decision goes against them. Thus, after this decision, it seems that the parties can choose even number of arbitrator. However, in practice, this rarely happens. क्या लिखा है आपस कि इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लॉ की पोजीशन क्या है? सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 सेज दैट यू कैन अपॉइंट एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर बट इट कैन नॉट बी इवन। बट आफ्टर दिस जजमेंट द प्रैक्टिकल पोजीशन ऑफ लॉ इज यू कैन इवन अपॉइंट इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बट इन प्रैक्टिस नोबडी अलाउस। अब आपके दिमाग में ऐसे स्टूडेंट का डाउट आएगा, सर हमें तो ये बताओ कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ऑड इवन तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, तो आप पहले यही लिखो कि सेक्शन 10 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट सेज दैट एनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कैन बी अपॉइंटेड बट इट कैन नॉट बी एन इवन नंबर। हाउएवर इन द केस ऑफ लोहिया वर्सेस लोहिया द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, और नीचे भी कहेंगे हाउएवर इन प्रैक्टिस नोबडी अपॉइंट्स इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। क्लैरिटी ऑफ थॉट। चलिए उसके बाद में आ रहा है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, 100% फोकस यहां से पे। मैंने क्या कह रहा हूं, देखो यार हमें किसी तरह से इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करना है तो अपना फोकस 100% बनाए रखो, इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दैट नथिंग कैन स्टॉप। थोड़ा सा मोनोटोनस है यार 100%, मतलब मुझे भी अंदर से कितनी इच्छा हो रही होगी ना कि मैं बता दूं प्रोसीजर में ये चीजें हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन नहीं, एक भी पॉइंट मिस हो गया, नजर हटी दुर्घटना घटी हो सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। एंड एनीवेज आई प्रॉमिस आई विल बी गिविंग यू अ सिनॉप्सिस जिससे कि आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, तो 100% फोकस ऑन द स्क्रीन बनाए रखो यारो, मेरे से ज्यादा तो आपके लिए अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो गधों इधर आओ। यस, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, यहां पे मैं अभी तक आपको क्या पढ़ा चुका हूं, क्या आपको ऑलरेडी पता है? देखते हैं लोग रिपीटेशन करेंगे या कुछ नया पढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया है कि प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में दोनों पार्टीज डिटरमिन करती है, दोनों की कंसेंट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, दोनों की कंसेंट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है। और कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि इस पार्टी ने 4-5 नाम दिए, उसको सिलेक्ट करने का बोला, उसने सिलेक्ट नहीं किया, एक भी उसको पसंद नहीं आया, तो वो वापस नाम देगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो या तो दोनों पार्टीज कंसेंट के साथ में अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर, या फिर दोनों पार्टीज किसी अथॉरिटी को डिजिग्नेट करती है कि वो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए दोनों कभी कंसेंट पे नहीं आती है, वो अथॉरिटी ने अपॉइंट नहीं कर रही है, देन द पार्टीज कैन मेक अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। चल, appointment procedure is also subject to party autonomy. In other words, parties are given the freedom to make and procedure for appointment of arbitrator. Parties के पास freedom है कि वो procedure decide कर सकते हैं appointment का, कि हम appoint करेंगे या कोई authority appoint करेगी या high court. Parties के पास freedom है. That is, the parties can decide upon any procedure for choosing the arbitrator. It can be as simple as a toss of coin or as complicated as they want. बोले कि arbitrator को appoint करने का procedure भी parties decide करेंगे, party autonomy है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा प्रोसीजर होगा। इट कुड बी, क्या ब्यूटीफुली तरीके से यहां पर आपके आईसीएआई ने लिखा है, इट कुड बी एज सिंपल एज अ टॉस ऑफ अ कॉइन, कि बस कॉइन का टॉस किया, इतना आसान भी हो सकता है, एंड इट कुड बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वांट। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर, सुनो प्रोसीजर क्या है, कॉमन प्रोसीजर क्या है, कोई रूल नहीं बता रहे मोस्ट कॉमनली कैसे अपॉइंट होता है। फर्स्ट, द पार्टीज विल जॉइंटली अपॉइंट, पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती है। बी, Each party will appoint one and the two arbitrators will appoint the rest. ये भी normal है कि मान लीजिए normally क्या होता है कि parties jointly appoint करती है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए तीन arbitrator है, तो इस पार्टी ने एक किया, उस पार्टी ने एक किया, और इन दोनों arbitrator ने मिलकर तीसरे को appoint किया। Each party will appoint one and the two arbitrators would appoint the rest. ये भी normal है। Third,
अपॉइंटमेंट वुड बी मेड बाय एन अनरिलेटेड पर्सन ऑन इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। तो हो सकता है कभी कभी कि आपने किसी को डिजिग्नेट कर दिया है और वो अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, बहुत तरह से आप अरे पूरा फ्रीडम, आपकी इच्छा है वो करो, जैसे आप चाहें वैसे आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्या है, दोनों पार्टीज मिलके ही सबको अपॉइंट करेंगे, या फिर दोनों पार्टीज ने एक एक अपॉइंट कर दिया और ये दोनों मिलकर बच्चे बाकियों को अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर आपने किसी व्यक्ति को डिजिग्नेट कर दिया और वो अपॉइंट कर रहा है, और इनमें से कुछ भी आपने प्लान किया था लेकिन वो फिर भी फंक्शन नहीं हो रहा है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या है आपके पास में, हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दे दो, सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दे दो। देर मे हाउएवर बी टाइम्स वेन, ये नॉर्मली ऐसे हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है। सिनेरियो वन, पार्टीज मे हैव नॉट डिसाइडेड अपॉन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, कि उन्होंने अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर डिसाइड ही नहीं किया है, या फिर और सिनेरियो टू, पार्टीज मे हैव डिसाइडेड अपॉन अ प्रोसीजर एंड सच अ प्रोसीजर रिक्वायर्स फर्दर एक्शन बट अ पार्टी आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोसीजर। क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आर्बिट्रेशन से करेंगे, बट आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट करेंगे, इसका प्रोसीजर ही हमने डिसाइड नहीं किया है, वी हैव नॉट डिसाइडेड द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट, ठीक है, या फिर हमने प्रोसीजर डिसाइड तो किया था बट वो प्रोसीजर प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। हमने बोला था इस इंस्टीट्यूशन को कि आईसीएआई का प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट आईसीएआई के प्रेसिडेंट के लिए पॉसिबल वो अपॉइंट ही नहीं कर रहे, बिजी है, टाइम नहीं है, कुछ भी काम हो सकता है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, सुनना सुनना सुनना, इन ऑर्डर टू डील विद बोथ द सिनेरियो, सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेट प्रोसीजर, क्या, व्हेन अपॉइंटमेंट इज मेड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज, क्या क्या इनका प्रोसीजर है, सुनना क्या लिखा है, सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट प्रोसीजर। क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या है, अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रोसीजर डिसाइड किया था एक्ट में, है ना, लेकिन अब वो प्रैक्टिक, आपके अग्रीमेंट में आपने कोई प्रोसीजर डिसाइड किया था बट अब वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, या फिर आपने कोई प्रोसीजर डिसाइड ही नहीं किया था, तो क्या होता है ये बता रहे हैं, सुनना, व्हेन एन अपॉइंटमेंट इज मेड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज हैव टू अग्री अपॉइंट हू इज द आर्बिट्रेटर वुड बी, यूजुअली वन पार्टी राइट्स टू द अदर पार्टी फॉरवर्डिंग अ लिस्ट, देखो क्या लिखा है जो मैं आपको बता रहा था, वन पार्टी राइट्स टू द अदर पार्टी फॉरवर्डिंग अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पोटेंशियल आर्बिट्रेटर, इफ द अदर पार्टी अप्रूव्स वन नेम फ्रॉम द लिस्ट देन दैट इंडिविजुअल वुड बी द आर्बिट्रेटर, इफ नॉट देन द अदर पार्टी वुड प्रपोज न्यू नेम टू द फर्स्ट पार्टी, दिस वुड गो ऑन टिल बोथ द पार्टीज अग्री अपॉन अ नेम। ये क्या चल रहा है, डिफॉल्ट प्रोसीजर क्या होता है, कि अगर आपने कोई प्रोसीजर अपॉइंट किया था, आप प्रोसीजर सोचा था बट वो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपने कोई भी प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया, तो क्या होता है, दोनों मिलके अपॉइंट करते हो। दोनों मिलके कैसे अपॉइंट करते हो, रीड एग्जांपल 10, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, देन ऑल्सो रीड एग्जाम्पल 11, रीड एग्जाम्पल 10 एंड एग्जाम्पल 11, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके समझ में आएगा। एंड अपॉइंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेके मैं आपको एक चार्ट भी बनाऊंगा अभी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। Read example 10 and example 11 once. Read it up. I hope you are understanding. क्या लिखा है यहां पे? जॉइंटली अपॉइंट करना चाह रहे तो क्या हुआ, पार्टी ए मान लीजिए मारुति ने सेंड द फॉलोइंग नेम्स टू पार्टी टू, सुनील, पीटर, मीनाक्षी, इकबाल, अनिल, नन ऑफ देम वॉज एक्सेप्टेबल टू पार्टी टू, एमआरएफ को एक भी पसंद नहीं आया, विच सेंड द फॉलोइंग नेम्स टू पार्टी वन, तो एमआरएफ ने फिर नेम भेजे, अक्रम, शमीक, सेबेस्टियन, आरती, देवाशीष, उन्होंने नाम भेजे कि इनमें से किसी को अपॉइंट कर दो, सुना ध्यान से, From this list, party 1 was agreeable for Shamik and informed party 2. In this case, Shamik would be the arbitrator and would be considered to be jointly appointed. आपको समझ आया jointly appointed कैसे function करता है? कि हमने नाम भेजे, आप उनमें से एक select करो, नहीं एक भी पसंद आए तो आप नाम भेजो, हम select करेंगे, नहीं पसंद आए तो हम नाम भेजेंगे, ऐसे चलता रहेगा। Next, when 3 arbitrators were to be appointed, अगर single arbitrator appoint करना तो ऐसे कर लेंगे, multiple है तो कैसा कर सकते हैं? Party 1 select Sunil as their arbitrator, ये act में लिखा है कि हम लोगों ने एक को appoint किया, party 1 ने सुनील को किया, while party 2 selects Iqbal as their arbitrator, तो एक arbitrator मैंने appoint किया, एक arbitrator उन्होंने appoint किया,
द टू आर्बिट्रेटर्स देन जॉइंटली डिस्कस द फॉलोइंग नेम्स शमीक पीटर मीनाक्षी आउट ऑफ विच दे सिलेक्ट मीनाक्षी एज द थर्ड प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर सिमिलरली व्हेन फाइव आर्बिट्रेटर्स आर टू बी अपॉइंटेड एवरी पार्टी विल अपॉइंट टू आर्बिट्रेटर एंड द फोर आर्बिट्रेटर्स जॉइंटली अपॉइंट द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर ये सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन रिकंसिलिएशन एक्ट में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सेक्शन 11 में लिखा हुआ है प्रोसीजर के अगर आपने आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे डिटरमिन नहीं है तो इससे फॉलो कर लो सुनना देखना क्या है व्हाट इज द प्रोसीजर हाउ प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट फंक्शंस आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट हैज पार्टी ऑटोनॉमी सो पार्टीज कैन डिटरमिन कि उनको कैसे अपॉइंट करना है बट इफ पार्टीज हैव नॉट डिटरमिन या फिर पार्टीज ने डिटरमिन किया था बट वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है अपॉइंट करना तो क्या होगा तो सेक्शन 11 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे सेक्शन 11 क्या कहता है अब देखो समरी दी हुई है यहां पे इन्होंने सेक्शन 11 कहता है कि एक ही आर्बिट्रेटर को अगर अपॉइंट करना है सो पार्टी 1 और पार्टी 2 मिलके जॉइंटली अपॉइंट कर देंगे सोल आर्बिट्रेटर को लेकिन अगर मोर देन वन को अपॉइंट करना है एग्जाम्पल 3 तो पार्टी 1 एक को अपॉइंट करेगी पार्टी 2 एक को अपॉइंट करेगा और ये दोनों मिलकर एक तीसरे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे मान लीजिए 5 है तो पार्टी ए पार्टी 1 दो को अपॉइंट करेगी पार्टी 2 भी दो को अपॉइंट करेगी और ये दोनों ये चारों मिलकर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 11 कि अगर आपने कोई प्रोसीजर डिटरमिन नहीं किया है तो इसे फॉलो कर लो तो इसे फॉलो कर लो या फिर आपने प्रोसीजर डिटरमिन किया था बट वो प्रैक्टिकल नहीं है क्या आपने डिटरमिन किया था आईसीआई का प्रेसिडेंट आपका आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा बट वो नहीं कर रहा है देन यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर रुकना रुकना बने रहना सिनेरियो 2 सुनना देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी दैट ऑल्दो द पार्टीज हैड सिलेक्टेड अ प्रोसीजर टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अ पार्टी पर्सन इंस्टीट्यूशन मे नॉट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम अंडर द प्रोसीजर For example, if according to agreed procedure, the appointment of arbiter was made to by ICADR. ICADR का full form क्या होता है? The International Center for Alternative Dispute Resolution President. तो हमने हमारे arbitration agreement में क्या लिखा था? कि ICADR का जो president है, वो appoint करेगा arbitrator. But such an appointment was not made. Such a situation would fall under scenario 2. कि यार हमने सोचा था कि ये व्यक्ति है, ये appoint करेगा arbitrator. लेकिन वो appoint ही नहीं कर रहा है. In such situation, the parties would have to approach the authorities designated under the Arbitration Reconciliation Act. तो ऐसे scenario में, ऐसी situation में जब आपने designate किया था किसी व्यक्ति को और वो आपने designate किया था किसी व्यक्ति को और वो appoint नहीं कर रहा है, ऐसे scenario में आप जाएंगे authority के पास और authority कौन है? High Court and Supreme Court. For appointment of arbitrator, the designated authority is either the Supreme Court of India for International Commercial Arbitration. Or the High Court for domestic arbitration. The law prescribes a detailed procedure for appointment of arbitrator. But what is important is that even if the court steps in, it first requires parties to take action. Court अगर step in भी करता है, High Court भी step in करता है, तो High Court पहले क्या बोलता है? तुम decide करो. और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो High Court appoint करता है. सुनना देख carefully क्या लिखा है. It first requires parties to take action. And if that does not happen, only in the last instance. It does step in to appoint arbitrator. A constitutional bench of Supreme Court of India in SBP versus Company versus Patel Engineering Limited has observed that once the appointment has been made by appointing authority, it could not be challenged before the arbitral tribunal or any other court. कि एक बार appointing authority High Court या Supreme Court ने appoint कर दिया, फिर आप challenge नहीं कर सकते. रुक जाना मेरी बात को, रुक जाना मेरी बात को. एकदम आराम से. अभी जो इतना पढ़ा ना, इस सबकी एक अच्छी summary हमको मतलब समझ में आना चाहिए कि किस केस में क्या होगा. Because पहली बार इस chapter ने कुछ चीज को confuse कर दिया. Otherwise बहुत आसान चल रहा था. सुना. Step one क्या कह रहे हैं? Parties fail to appoint arbitrator in accordance with the agreed procedure or parties have not decided on the procedure. कि procedure decide ही नहीं किया था या procedure decide किया था लेकिन वो fail हो गया, उससे हो नहीं रहा है. Parties are required to proceed in accordance with the default procedure noted under the act. Default procedure से appoint करो. Default procedure क्या है? एक appoint करना है तो jointly करो, multiple appoint करना है तो दोनों एक एक को appoint करो और वो करेगा. Default procedure follow करो. सुना. If any party fails to follow the default procedure भी follow नहीं हो रहा है, then other party can approach the court. अगर डिफॉल्ट प्रोसीजर भी फॉलो नहीं हो रहा है देन द पार्टीज अप्रोच द कोर्ट. स्टेप 4 द कोर्ट मे रिक्वायर द पार्टीज टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद देयर अग्रीमेंट. कोर्ट भी क्या बोलेगा कि आप नहीं, आप ही अपॉइंट करो. और मे इटसेल्फ अपॉइंट द आर्बिट्रेटर. व्हाइल अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर द कोर्ट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द क्वालिफिकेशन दैट द पर्सन हैज अग्रीड अपॉन. मेरे को चाहिए कि हर एक बालक का 100% फोकस यहां पे. मजा आ जाएगा आपको. पहली बार इन्होंने किसी जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट किया. समझना अच्छे से. एकदम सिंपल है. सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर लो. अपने हिसाब से क्या कर सकते हो आप लोग जॉइंटली अपॉइंट कर दो या फिर आप एक को अपॉइंट करोगे, वो एक को अपॉइंट करेंगे और ये दोनों मिलकर एक को अपॉइंट करेंगे, ऐसा प्रोसीजर रख लो. या फिर डिटरमिन अ पर्सन हु इज गोइंग टू अपॉइंट. बट सुनना केस वन क्या हो गया. 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट केस क्या हो गया? आप लोगों ने डिटरमिन कर लेना,
आइडियली आप लोगों ने अपने अग्रीमेंट में डिटरमिन कर लेना है कि किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, आप लोगों ने अपने अग्रीमेंट में डिटरमिन कर लेना है कि किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, बट इफ नो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट वॉज डिटर्मिंड. सुनना, यहां पे उन्होंने जो ऑलरेडी बना के दिया है ना उसमें थोड़े से चेंज करने की जरूरत है. उन्होंने एक समरी दी है एंड में चार स्टेप की, बट उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, बेटर है, बेटर हो जाएगा. नो प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिटर्मिंड, कि हमने अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का प्रोसीजर डिटर्मिन ही नहीं किया था. और द प्रोसीजर वॉज डिटर्मिंड बट फेल्ड टू फॉलो द प्रोसीजर. फोकस करना चाहिए. सो द नो प्रोसीजर वॉज डिटर्मिन फॉर अपॉइंटमेंट, के अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर डिटर्मिन ही नहीं किया, या फिर प्रोसीजर में डिटर्मिन तो किया था बट वी फेल टू फॉलो इट, हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे. इन सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा, सुनना सबसे आसान से. इस सर्कमस्टेंसेज में फॉलो द डिफॉल्ट प्रोसीजर, फॉलो द डिफॉल्ट प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. उसका डिफॉल्ट प्रोसीजर फॉलो करो. सुनना अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, डिफॉल्ट प्रोसीजर फॉलो कर दो. व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रोसीजर? डिफॉल्ट प्रोसीजर इज इफ वन आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड, कि अगर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो जॉइंटली अपॉइंट करो, जॉइंटली अपॉइंट करो. और जॉइंटली कैसे अपॉइंट करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि मैं दूंगा चार पांच नाम की लिस्ट, आप सिलेक्ट करो, आपको उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया, आपने बात ही खत्म, वो जॉइंटली अपॉइंट हो गया. मान लीजिए आप सिलेक्ट नहीं कर पाए, एक भी पसंद नहीं आया, तो आप फिर चार पांच बना के लिस्ट भेजो और ऐसे करते रहो. तो जॉइंटली अपॉइंट करो अगर एक ही अपॉइंट करना है. एंड इफ मोर देन वन आर्बिट्रेटर, इफ मोर देन वन आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड, कि अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे. सुनना, ईच पार्टी अपॉइंट्स वन आर्बिट्रेटर, ईच पार्टी अपॉइंट्स वन आर्बिट्रेटर ईच, एंड द टू आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर, द थर्ड आर्बिट्रेटर, और इस आर्बिट्रेटर को प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोला जाता है, एग्जाम्पल थ्री. और अगर वही फाइव है तो मैं दो अपॉइंट करूंगा, तू दो अपॉइंट करेगा, और ये लोग मिलके फिफ्थ को अपॉइंट करेंगे. So, ये हो गया डिफॉल्ट प्रोसीजर. तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना प्रोसीजर फॉलो करो, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करो जो आपने एक्ट में लिखा, आपने अपने अग्रीमेंट में लिखा था. अगर आपने अग्रीमेंट में कोई भी लिखा ही नहीं था तो यहां पर आ जाओ डिफॉल्ट प्रोसीजर पे. और अगर आपने अपने अग्रीमेंट में लिखा था, अगर अपने अग्रीमेंट में लिखा था लेकिन नाउ यू फेल टू डू दैट, तो भी आप यहां पर आ जाओ, तो भी आप यहां पर आ जाओ. तो डिफॉल्ट प्रोसीजर पर कब आएंगे, जब आपने प्रोसीजर डिटर्मिन नहीं किया था, या फिर आपने डिटर्मिन किया था, या फिर आपने डिटर्मिन किया था बट नाउ यू फेल टू डू सो, तो डिफॉल्ट प्रोसीजर पर आ जाओ. ठीक है सर, ठीक है सर. मान लीजिए डिफॉल्ट प्रोसीजर काम नहीं कर रहा है हमारे लिए, देन अ रेफरेंस टू कोड कैन बी मेड, रेफरेंस टू अथॉरिटी, अथॉरिटी बोले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. रेफरेंस टू अथॉरिटी कैन बी मेड If default procedure also fails, कि हम default procedure से भी appoint नहीं ही कर पा रहे हैं. ऐसा कब हो जाएगा कि हमें एक appoint करना है बट हम लोग किसी भी agreement पे आ ही नहीं रहे,
हम लोग किसी भी अग्रीमेंट पे आ ही नहीं रहे। सो अगर डिफॉल्ट प्रोसीजर से अपॉइंट करना है, डिफॉल्ट प्रोसीजर से भी अपॉइंट करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, देन वी मेक अ रेफरेंस टू हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुनना, ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आती सीधे अपॉइंट कर देगा, नहीं। सुनना अब क्या होता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हिचएवर इज एप्लीकेबल रिक्वायर्स द कंपनी to follow the procedure and appoint the arbitrator। कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रोसीजर फॉलो करो और अपॉइंट करो आर्बिट्रेटर को, जो भी प्रोसीजर, दोनों मिलकर जॉइंटली अप्लाई करो या फिर एक तुम जॉइंटली फाइनली आने दो, तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधा आके आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करता है, दे आस्क देम कि आप ही अपॉइंट करो आर्बिट्रेटर। सुनना, बट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल at the last instance High Court or Supreme Court appoints the arbitrator। कि अगर ऐसा हो रहा है कि कोई संभव ही नहीं है, कभी कभी क्या होता है आप समझो ना, कि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो हो सकता है ना वो टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं हो, कि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट चल रहे, तो वो अग्री हो ही नहीं रहे, उन्होंने भेजे हम इस पे अग्री नहीं करेंगे, तो ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो गए तो फाइनली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है। तो समझना ध्यान से, कभी भी ये मत सोचना कि हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर, नहीं, दैट इज द लास्ट रिसोर्ट, एकदम आखिरी ऑप्शन है कि वो अपॉइंट करेंगे। आई गेस दिस सम्स इट अप। Procedure for appointment of arbitrator. Procedure of appointment of arbitrator. ठीक है, I hope you're understanding. एकदम सिंपल हो गया कि सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपने प्रोसीजर से करना है, लेकिन अगर आपने प्रोसीजर डिसाइड ही नहीं किया था और आपने डिसाइड किया बट दैट फेल्स, इसके अंदर वो केस आ जाएगा कि हमने बोला था कि आईसीआई के प्रेसिडेंट अपॉइंट करें बट वो अपॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो क्या, डिफॉल्ट प्रोसीजर फॉलो करो, पहले डिफॉल्ट पे आना है, डायरेक्टली नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। जब वो रीड करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है सिनेरियो टू के बाद में सीधा बोला सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आना है, नहीं, द प्रोसीजर इज कि वहां से सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, अगर उसने भी नहीं किया तो डिफॉल्ट प्रोसीजर पे आओ। पहले डिफॉल्ट प्रोसीजर क्या कहता है कि भैया जी आपको एक अपॉइंट करना है तो जॉइंटली अपॉइंट कर दो, तीन अपॉइंट करना है तो एक आप करो एक वो करेंगे, ऐसा कर दो, डिफॉल्ट प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11। लेकिन अगर डिफॉल्ट प्रोसीजर से भी नहीं हो पाता तो एक पार्टी क्या कर सकती है, रेफरेंस दे दो आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भी वापस बोलेंगे ए सुनो ना तुम अपने अपने प्रोसीजर से करो, लेकिन अब वो अगर आप प्रूव करते हो कि नहीं अपने अपने प्रोसीजर से पॉसिबल नहीं और फेल हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एट द लास्ट इंस्टेंस अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर। तो ये जितना आसान कहते ना हम कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना, आपके पास पावर मिली यू कैन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, वहीं पे रिस्क भी है। कभी कभी लाइफ में चॉइसेस ना मिले तो अच्छा है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, कभी कभी लाइफ में चॉइसेस ना मिले तो अच्छा, मतलब ऐसा होना चाहिए कभी कोई आया उसने पीछे धक्का दे दिया कि भाग यहां पे भाग ये कर, तो हम वो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे चॉइस मिलते वहीं पे अपन अटक जाते हैं कि ये करें या ये करें, ये करें या ये करें। सो अटेम्प्ट्स वी वांट कि लाइफ में चॉइसेस ना मिले, तो चॉइसेस अटेम्प्ट्स क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन, तो वही यहां पर हो रहा है कि यहां पर आपको पावर दी कि यू कैन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, तो भैया जी कौन करेगा कैसे नहीं करेगा, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर पढ़ना पड़ा कि आप अपने प्रोसीजर से करो, अगर आपने प्रोसीजर दिया ही नहीं था तो डिफॉल्ट प्रोसीजर पे आ जाओ, या फिर आपने प्रोसीजर दिया था और फेल हो गया तो डिफॉल्ट पे आ जाओ, डिफॉल्ट से कर लो, डिफॉल्ट से नहीं हो रहा है तब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी पहले आपको बोलेगा खुद के प्रोसीजर से करो, और अगर नहीं हो रहा है देन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वुड अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर एट द लास्ट इंस्टेंस। चलिए, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपको 100% पेन डाउन तो करना होगा, बट बाद में पेन डाउन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने भी ये लिख के दिया है, ये प्रोसीजर इन्होंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया, अदरवाइज इन्होंने भी अच्छे से लिख के दिया है। चलिए, और उसके बाद में आता है रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वही कहानी वापस चालू, क्या आखिर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में क्या क्या होना चाहिए, और एकदम बायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी को भी फेवर नहीं करना चाहिए, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने आना चाहिए, यही सब चीजें देखो। आ जाओ, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, फर्स्ट पॉइंट, द आर्बिट्रेटर कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। समझना अच्छे से क्या लिखा है इसमें, कि आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है।
आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, मतलब जब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, सुनना यहां पे अच्छा है क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूं, जब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तब तो आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। मान लीजिए इंडिया में MRF वर्सेस मारुति चल रहा है तो आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, बट मान लीजिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तब वहां पे आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। क्यों, प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो इंडिया की एक कंपनी है दैट इज रिलायंस और उनका एप्पल इनकॉर्पोरेशन के साथ में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रहा है, ठीक है, अब वहां पे अगर आर्बिट्रेटर इंडियन अपॉइंट किया तो बायसनेस आ सकती है ना, आर्बिट्रेटर यूएस का अपॉइंट कर दिया तो बायसनेस आ सकती है। तो जनरली आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन दोनों लोकल है तो आर्बिट्रेटर दुनिया के किसी भी कोने से ले आओ, लेकिन अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं भी बायसनेस ना आ जाए। सो आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, आर्बिट्रेटर कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट आर्बिट्रेटर शुड बी ऑफ नेशनैलिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, दिस इज रेलेवेंट इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वेयर द पार्टीज आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इन सच अ सिचुएशन एन आर्बिट्रेटर हु बिलोंग्स टू नेशनैलिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टी मे बी कंसिडर्ड एज बायस्ड। कि डोमेस्टिक में तो आप मस्ती से अपॉइंट करो आर्बिट्रेटर को किसी भी नेशनैलिटी का, लेकिन इंटरनेशनल है तो एक रिस्क रहता है कि अगर वो एक इंटरनेशनल है तो रिस्क क्या रहता है कि अगर वो एक एंटिटी की कंट्री से है तो वहां पे बायसनेस का रिस्क हो सकता है। एट द सेम टाइम मियरली बिकॉज द आर्बिट्रेटर इज ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ वन ऑफ द पार्टीज इट वुड नॉट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू प्रेजेंस ऑफ बायस। कि ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं मानेंगे कि बायस है, मान लीजिए इंडिया में रिलायंस और एप्पल इनकॉर्पोरेशन इनका आर्बिट्रेशन चल रहा है और मान लीजिए आर्बिट्रेटर इंडिया का है तो ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि बायस है, लेकिन एक डर हो सकता है कि बायसनेस हो सकता है, इट इज अ रिस्क दैट बायसनेस कुड बी देयर बट इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम कि बायसनेस है ही सही, 100% श्योरिटी थोड़ी कह सकते हैं बायसनेस है ही सही, बट हाँ एक रिस्क कह सकते हैं कि बायसनेस हो सकता है। बस आप आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को, ये हम पढ़ेंगे एकदम सिंपल। नेक्स्ट इज हमने ऑलरेडी पढ़ा है केपेबल ऑफ, यस बेटा जी आई कैन अंडरस्टैंड टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है तो आपको ब्रेक की आवश्यकता लगती है, एक काम करते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज नहीं, बस ये रनिंग टॉपिक कंप्लीट कराता हूं देयर आफ्टर आपको ब्रेक देता हूं, ठीक है ना बेटा जी, सिंपल चलो ओके। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा मोनोटोनस है ना, बट हिम्मत से काम लो एकदम मस्ती में खत्म हो जाएगा, ठीक है चलो। केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, फोकस 100%, एवरीवन फोकस है, फोकस है, फोकस है, फोकस है। सबसे पहले ये चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट आर्बिट्रेटर मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इफ एट ऑल द आर्बिट्रेटर इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग तो वो एंटर ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन आर्बिट्रेटर एंड द पार्टीज, आर्बिट्रेटर और पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है तो द आर्बिट्रेटर शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, द आर्बिट्रेटर शुड बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस इज बिकॉज आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट एंड रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल इन्वॉल्व, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड द पार्टीज वे बाय द आर्बिट्रेटर रेंडर्स अ सर्विस ऑफ एडजुडिकेशन टू पार्टीज फॉर रेम्यूनरेशन, तो मैं रेम्यूनरेशन अगर सर्विस दे रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए, therefore all requirement of a contract is noted in the near contract act are required to be fulfilled, ye bhi wapas bol rahe hain, ye bhi pehle padh chuke hain. Humne kya padha yaar, humne do point padhe, pehli cheez ki requirement of arbitrator can be of any nationality, second he must be capable of entering into contract, third lack of biasness, oh fo ye topic matlab ye akela topic hi jo padhne layak hai, focus karna, lack of biasness के बिल्कुल किसी भी तरह से बायस्ड नहीं होना चाहिए, बायस का मतलब आप सबको पता है ना कि यार ये व्यक्ति उसके फेवर में ही बात करता है, दिस गाइस बायस्ड, तो आर्बिट्रेटर शुड नेवर बी बायस्ड, सुनना अच्छे से, एन आर्बिट्रेटर शुड, ये ध्यान से सुनो, बाकी सब स्पीड में चले जाना कोई परेशानी नहीं, ये ध्यान से सुनना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, 100% फोकस यहां पे, एन आर्बिट्रेटर शुड रिमेन न्यूट्रल अनबायस्ड एंड शुड नॉट फेवर एनी ऑफ द पार्टीज इन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर ने हमेशा न्यूट्रल रहना है, अनबायस्ड रहना है एंड शुड नॉट फेवर एनी ऑफ द पार्टीज इन आर्बिट्रेशन, वो किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगा, किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगा, इन अदर वर्ड्स एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शुड नॉट बी बायस्ड, इनसेड शी और शी शुड एट ऑल टाइम रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, वही बात वापस के बायस नहीं रहना। अब सेक्शन 12 आता है, सुनना ध्यान से, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, सुनना अच्छे से सेक्शन 12 में क्या लिखा है, ये एक छोटा सा सेपरेट चीज है जो इतना सा पढ़ लो फिर वापस हम बायसनेस को कंटिन्यू करेंगे। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, वेयर अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन विद हिज पॉसिबल अपॉइंटमेंट एज एन आर्बिट्रेटर ही शैल डिस्क्लोज इन राइटिंग एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब आज आपको मान लीजिए जैन साहब आपके पास एक अप्रोच किए कोई कंपनी कि हमारी कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, प्लीज बी आर आर्बिट्रेटर, अगर आपको अप्रोच किया गया है दैट देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दिस एंड दिस, प्लीज बी आर आर्बिट्रेटर सुनना, तो अगर आपको अप्रोच किया गया है यू शुड डिस्क्लोज इन राइटिंग व्हाट एनी सर्कमस्टेंसेस सच एन एग्जिस्टेंस इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट रिलेशनशिप विद और इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द पार्टीज,
आपके इन दोनों पार्टीज में से किसी से भी पास्ट से प्रेजेंट रिलेशनशिप है किसी भी प्रकार का, आर वी अंडरस्टैंडिंग, और इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, या फिर डिस्प्यूट में जो सब्जेक्ट मैटर है वहां पे आपका कोई इंटरेस्ट है, वेदर फाइनेंशियल, बिजनेस, प्रोफेशनल, एनी अदर काइंड, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका, बिजनेस इंटरेस्ट या किसी और प्रकार का पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर आपका इन दोनों पार्टीज में से किसी से भी पास्ट या प्रेजेंट, प्रेजेंट या पास्ट किसी प्रकार का इंटरेस्ट रहा हुआ है, तो आपको वो डिस्क्लोज कर देना है, विच इज लाइकली टू गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, जिससे कि फ्यूचर में डाउट होगा। देखो अभी किसी को पता नहीं दैट यू आर रिलेटेड टू देम, आपने आर्बिट्रेशन चालू कर दिया और मान लीजिए दो महीने बाद सबको पता चले कि आप रिलेटेड थे, तो बाद में इशू होगा ना। तो अगर आपको आर्बिट्रेटर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है, आपको अप्रोच किया जा रहा है कि आप आर्बिट्रेटर बनिए, तो आप पे ये जिम्मेदारी है दैट आपको डिस्क्लोज करना है कि ये दोनों पार्टी से मैं इस प्रकार से रिलेटेड था या थी। तो दिस इज अ सेक्शन 12 सेज कि आपको पहले से डिस्क्लोज कर देना है कि आप अगर इंटरेस्टेड थे तो। नेक्स्ट, और कोई सर्कमस्टेंसेज हैं विच इज लाइकली टू इफेक्ट हिज अबिलिटी टू डिवोट सफिशियंट टाइम टू द आर्बिट्रेशन एंड इन पर्टिकुलर हिज अबिलिटी टू कंप्लीट द एंटायर आर्बिट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी ऑक्यूपाइड कि आपके पास समय ही नहीं होने वाला है, तो इफ यू थिंक दैट यू विल बी लैकिंग टाइम, या फिर आपका समय नहीं होगा आर्बिट्रेशन हैंडल करने का और आप 12 मंथ्स के टाइम में ये पूरा आर्बिट्रेशन कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, तो आपको अभी ही डिस्क्लोज कर देना है। ब्यूटिफुल पॉइंट, व्हाट आर दे सेइंग, इसकी हेडिंग बड़ी अजीब सी है बस, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज, इसकी हेडिंग को इतना इग्नोर करो, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज नहीं, इसका मेन क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए अप्रोच किया गया है तो उस पर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये दो चीजें डिस्क्लोज करनी है, अगर उसका किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट है, बाय बिजनेस इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अदरवाइज किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट है किसी भी पार्टी में या फिर डिस्प्यूट में, ही हैज टू डिस्क्लोज इट, एंड सेकंड इफ ही थिंक्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू, ही कैन नॉट डिवोट सफिशिएंट टाइम दैट द आर्बिट्रेशन कुड बी कंप्लीटेड इन 12 मंथ्स, के 12 मंथ्स में आर्बिट्रेशन कंप्लीट होगा इतना समय वो डिवोट नहीं कर सकता है, तो उसको ये बात इमीडिएटली डिस्क्लोज करनी, तो आर्बिट्रेटर हैज टू डिस्क्लोज दीज टू थिंग्स इमीडिएटली, जैसे आपको अप्रोच के बता दो भैया जी मेरे पास टाइम नहीं है, सारी चीजें मेरे हाथ में, 12 महीने में आर्बिट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, सो यू हैव टू डिस्क्लोज दिस इमीडिएटली, वन थिंग, एंड सेकंड अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट है कहीं पे भी डिस्प्यूट में, तो आपको इमीडिएटली ये भी डिस्क्लोज कर देना। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे ऊपर, हम पढ़ रहे हैं दैट द आर्बिट्रेटर शुड नॉट बी बायस्ड, आर्बिट्रेटर शुड नॉट बी बायस्ड, चलो फोकस करना अच्छे से, अब ये आपको बात थोड़ा ज्ञान बांट रहे हैं, बायस को टेक मेनी फॉर्म्स, पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, एज टू सब्जेक्ट मैटर, पॉलिसी बायस, कि किसी भी तरह की बायसनेस हो सकती है ना, समझना बायसनेस बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ, थोड़ा एक ओपन माइंड से समझो, बायसनेस कैसी हो सकती है, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, मैं एक पार्टी की तरफ, मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है ना, उस पार्टी की तरफ मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर, ये भी बायसनेस होगी, ये पार्टी मेरे रिलेशन में लगती है किसी तरह से, ये भी बायसनेस होगी, सुनना, दूसरी बायसनेस समझो, मैं इस पार्टी से मेरी कोई पहचान नहीं है बट दूसरी पार्टी से मैं नफरत करता है, आई हैव गॉट सम इश्यूज विद द अदर पार्टी, ये भी तो बायसनेस हो गया, नेगेटिव बायस, नेगेटिव बायस, तो फर्स्ट थिंग क्या हो गया कि आई हैव अ बायसनेस लाइक दैट आई हैव सम इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट इन दिस पार्टी, सेकंड आई हैव सम हेट्रेड टुवर्ड्स द अदर पार्टी, ये समझो, और बड़े माइंडसेट से समझो, अच्छी तारीख में प्रैक्टिकल जुडिशरी में होता है, समझना एक बार, सुनो सब्जेक्ट से बाहर निकलो, आई अंडरस्टैंड द टॉपिक इज वेरी इजी एंड मोनोटोनस, बट देखो जिम्मेदारी मेरा भी है और आपका भी है, तो जी जान से पढ़ना है, थोड़ा सा बाहर निकलो, अच्छी चीज बताता हूँ कि वेन देर आर जजमेंट्स ना, जब कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं ना बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट, तब ये सब भी रोल प्ले करता है कि कहीं जज बायस तो नहीं है, तो बायसनेस एक अलग लेवल पे भी आपको सोचना होगा, इट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू पार्टीज, एक व्यक्ति की सोच कैसी है ये भी मैटर करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ जज हु इज अ फेमिनिस्ट, सुनना, इफ देर इज अ जज हु इज अ फेमिनिस्ट और उसके सामने उसी प्रकार का कोई केस आ रहा है वेयर 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 वुमेन हैज बीन ऑप्रेस्ड, so then the judge is biased na wahan pe, then the judge is biased or most likely he is going to give a very severe penalty, why, because the judge is biased in his thoughts, uska un dono parties se koi rishta na tha nahi hai, but biasness to aayi na ek prakar ki, kaisi biasness hai, this is a biasness of policy, ki meri soch meri thinking mein hi biasness hai, dusra for example india mein gay rights ko leke bahut zyada cheeze hui thi, to jab gay rights ko leke judgment gaya tha understand very carefully, to jab judgment gaya tha wahan pe wo jo judge baitha hai agar wo personally hi bahut biased hai, अगर वो पर्सनली ही बहुत बायस्ड है तो वो करेक्ट जजमेंट नहीं दे पाएगा, इधर वेज ना, इधर वेज तो इट डिपेंड्स, मान लीजिए जब अयोध्या का केस हुआ था, राम मंदिर का केस हुआ था, तब वहां पर जजेस बैठे, मान लीजिए द जजेस आर ओनली बायस्ड इन देयर माइंडसेट रिलीजन तरीके से कि नहीं यही रिलीजन सही है ये गलत है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर बायस्ड तो जजमेंट सही नहीं हो पाएगा, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव टू रीड द कंसेप्ट ऑफ बायसेस विद एन ओपन माइंडसेट, इट इज नॉट जस्ट दैट आई एम रिलेटेड टू दिस पार्टी तो बायसनेस होगा, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू बायसनेस,
तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें जो कि कंप्लीटली अनबायस्ड हो। अब उसमें जो मैंने बोला ना कि थिंकिंग बोलो, फेमिनिस्ट बोल दो, ये सब कोई कुछ लोग एकदम कैपिटलिस्ट, कुछ लोग एकदम ऐसे होते हैं कि उनको से दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द रिच फोक्स, राइट। सो अगर वो रिच फोक्स के एकदम अगेंस्ट हैं तो जब भी एक डिसीजन दे रहे हैं तो दे आर ऑलवेज गिविंग द डिसीजन इन द फेवर ऑफ द पुअर पर्सन। तो ये भी तो सही नहीं है, जुडिशियल रूल फॉलो करिए ना कि व्हाटएवर इज करेक्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बायसनेस, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ बायसनेस। सो रिलीजन बायसनेस हो सकता है, अ जज कैन ऑलवेज थिंक दैट दिस रिलीजन इज गुड, दिस रिलीजन इज बैड। सो अपार्ट फ्रॉम द मेरिट्स ऑफ द केस, दिस गाय वुड बी बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। So what I'm trying to tell you is biasness can have many-fold effects, many-fold effects. But what you have to understand here is कि biasness कैसा भी हो सकता है लेकिन बाकी सारी biasness को पकड़ना और प्रूव करना मुश्किल है। ये व्यक्ति feminist है, आप कैसे प्रूव करोगे? It's impossible, right? It's impossible. तो कुछ चीज़ों को प्रूव करना मुश्किल होता है। सबसे आसान जो biasness प्रूव होता है वो यही होता है, ये इस पार्टी से रिलेटेड है या फिर इस पार्टी को इससे, इस एंटिटी को इससे कुछ hatred है। तो ये biasness प्रूव करना आसान है, इसलिए थ्योरी में उस biasness की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। I hope you understand what I'm trying to tell you. चल, आते हैं यहाँ पे। Biases को take many forms: pecuniary bias, personal bias, bias as subject matter, policy bias, etc. The Supreme Court of India in Ranjit Tagore versus Union of India is 23 को ignore करो। ये क्या है? कहता हूँ, आपके footnote होता है ना, तो वो आ जाता है कभी-कभी। तो इसको ignore करो। Held that the test of bias is whether a reasonable person in possession of relevant information would have thought that bias was likely and the matter was likely to be disposed in a particular way. कि biasness check कैसे करते हैं? कि ये circumstances, ये situation मुझे दी गई और मैंने ऐसे judgment दिया, तो क्या एक reasonable व्यक्ति भी ऐसा ही judgment देता? क्या एक reasonable व्यक्ति भी ऐसा ही judgment देता? अगर reasonable व्यक्ति भी ऐसा ही judgment देता, मतलब मैंने कोई भी biasness नहीं show किया। That is how you judge biasness. Okay? Independence क्या है? Independence is, अब उन्होंने इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को एक्सप्लेन किया, इंडिपेंडेंस उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से एक्सप्लेन किया, इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द आर्बिट्रेटर एंड अ पार्टी सच एज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिटर, एक्सेट्रा। कि कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिपेंडेंस आपकी कैसे हैम्पर हो जाएगी, समझो। इसको मैं लाइन को थोड़ा सा एडिट करता, समझना। इंडिपेंडेंस इज नॉट प्रेजेंट if certain relationship between the arbitrator and a party such as previous employment, creditor, etc. exists. इस तरह से इंडिपेंडेंस समझ लो। इंडिपेंडेंस क्या है? कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं। मान लीजिए मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं, उस कंपनी का ही किसी के साथ में आर्बिट्रेशन चल रहा है और मुझे एज ए एम्प्लॉय बना दिया आर्बिट्रेटर, तो चलेगा क्या? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हुई नहीं, आई शुड बी इंडिपेंडेंट। Impartial is the state of mind of the arbitrator. By his or her behavior, the arbitrator gives an impression that they are favoring one party over the other. Impartiality. I should show impartiality. तो ये partiality को define किया, उन्होंने एक अलग तरीके से define किया वैसे, बट इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें intention समझ में आना चाहिए। Impartiality मतलब मैं सबको बराबर तरीके से देख रहा हूँ, मैं किसी को भी partial, मुझे favor नहीं। हम कहते हैं जैसे कि क्या, this teacher is partial, this person is partial, this relative is partial. Partial तो किसी एक पार्टी को फेवर करते हैं। सो आइडियली द पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड द पर्सन शुड बी impartial, आर्बिट्रेटर। ओके, समझना अच्छे से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। रीड दिस, रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13, रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13। इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि आप दीवाने हो जाओगे। रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13, रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13। आपका ब्रेक बहुत ही करीब है यार, आपने जैसे एग्जाम्पल 12 और 13 रीड कर लिया, उसके बाद में बस, उसके बाद में मैं इतना सा पढ़ाऊंगा और खत्म हो जाएगा। रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13, सुपर ईजी लैंग्वेज में लिखा है। रीड एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13। यस पीपल,
एक लाइन को अंडरलाइन कर लेना बस, ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, गवर्नमेंट कंपनी वाली, गवर्नमेंट की बात हो रही है बस, बाकी सब लिख दो। समझना बेटा जी, यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म होता है और यहां से आपका एग्जाम्पल नंबर 13 स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 12 काफी आसान है, आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर एक पार्टी भाई क्लियरली ऐसा पूरा इंपार्शियलिटी कर रही है, एक के फेवर में दे रही है, एक को बिल्कुल ही अगेंस्ट कर रही है, तो दैट इज अ केस ऑफ इंपार्शियलिटी। तो इंपार्शियलिटी के केस में आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज भी कर सकते हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या पढ़ रहे हैं सुनना, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 के पहले का कंटेंट बता रहा हूं आपको क्या लिखा है। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डज नॉट ऑपरेट इन इक्वल मेजर व्हेन इट पार्टीज इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट। सुनना है क्या कह रहे हैं कि जनरली क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में काम किया है तो वो उसके आर्बिट्रेशन का पार्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज वो बायस्ड होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है लेकिन वो गवर्नमेंट के आर्बिट्रेशन वापस पार्ट हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रेशन में आई एम गोइंग टू फेवर द गवर्नमेंट, इट डजंट वर्क दैट वे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करता है, इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करता है। और वैसे भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि ऐसा रूल नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है, मान लीजिए आई एम अ पास्ट एम्प्लॉय ऑफ टाटा एंड टाटा के आर्बिट्रेशन में आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ऐसा रूल नहीं है। सुनना, मेरे ऊपर ड्यूटी क्या, आई हैव टू डिस्क्लोज कि भाई मैं टाटा का पास्ट एम्प्लॉय है, लेकिन फिर भी अगर दोनों पार्टीज अग्री करके मुझे अपॉइंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यही तो ब्यूटी आर्बिट्रेशन की, मैं क्या कह रहा हूं, इट इज पार्टी ऑटोनोमस। ऐसा कानून नहीं है दैट इफ आई एम रिलेटेड आई वॉज अ पास्ट एम्प्लॉय, इफ आई वॉज अ पास्ट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आई कैन नॉट बी द आर्बिट्रेटर फॉर दैट कंपनी अगेंस्ट सम अदर कंपनी। नहीं, इफ द अदर सम कंपनी हैज अ प्रॉब्लम, व्हाट इफ द अदर कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर दोनों एंटिटीज, दोनों पार्टीज कंसेंट से मुझे भी अपॉइंट करना चाहते हैं, दे कैन डू सो, दैट्स द ब्यूटी। और यहां पे बहुत प्यारी चीज पड़ेगी, समझ आना चाहिए कि लेकिन अगर उन्होंने जानते हुए मुझे अपॉइंट किया तो कल को ये कंपनी इस बात के ऊपर बाद में चैलेंज नहीं कर सकती, ये तो उसका पास एम्प्लॉय था, आपको पता था ना और आपने अपॉइंट किया। तो ड्यूटी आर्बिट्रेटर पर बस इतनी सी कि उसको डिस्क्लोज करना है दोनों पार्टीज को। चलो, इन दिस केस देयर इज नो ऑटोमेटिक डाउट व्हेदर आर्बिट्रेटर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट के ऊपर हम ये पास्ट एम्प्लॉय वाला बायसनेस रेयरली अप्लाई होगा, बहुत मुश्किल है। नाउ अंडरस्टैंड, एट द एंड इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन दो देयर माइट बी प्रीवियस कनेक्शन बिटवीन आर्बिट्रेटर एंड वन ऑफ द पार्टी, देयर माइट बी प्रीवियस कनेक्शन और द पर्सन प्रीवियस बिहेवियर माइट हैव रेज डाउट एज टू देयर इंपार्शियलिटी, कि उसके पुराने बिहेवियर से इंपार्शियलिटी का डाउट आ सकता है। हाउएवर इट डज नॉट प्रिवेंट द पार्टीज From appointing that person as the arbitrator. इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पार्टी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकती। एक व्यक्ति जो कि रिलेटेड है, impartial है, इसको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। देखना क्या लिखा है। In other words, parties, दोनों parties have full autonomy to waive off any of the objectional ground and make the appointment. वापस रिपीट करता हूं, आज मान लीजिए टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस, टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, दोनों का कुछ अग्रीमेंट था, डिस्प्यूट हो गया है और उनके बीच में आर्बिट्रेशन हो रहा है। सुन, आर्बिट्रेशन हो रहा है और टाटा मोटर्स हैव सजेस्टेड कि हमारा पास्ट एम्प्लॉय था, हमारा पास्ट चेयरमैन था, बहुत बढ़िया व्यक्ति, इसको अपॉइंट कर देते हैं एज आर्बिट्रेटर, इसको अपॉइंट कर देते हैं एज आर्बिट्रेटर। सुनना मेरी बात को, इन्फोसिस अगर वॉलंटरली अपॉइंट करती है, हाँ ठीक है हमें चलेगा, इन्फोसिस अगर अग्री कर देती है, दे कैन अपॉइंट पास्ट चेयरमैन ऑफ टाटा मोटर्स एज द आर्बिट्रेटर इफ इन्फोसिस अग्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दो कंपनी के बीच में और उन्होंने अग्री कर लिया तो चलेगा। इन्फोसिस छोड़ो, एमआरएफ ले लो, एकदम थर्ड अनरिलेटेड कंपनी ले लो, तो मान लो टाटा मोटर्स और एमआरएफ इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है एंड टाटा मोटर्स ने सजेस्ट किया कि आर्बिट्रेटर के तौर पे हमारे पुराने चेयरमैन, ओल्ड चेयरमैन को अपॉइंट कर देते हैं, एंड एमआरएफ सेज कि हाँ वी ट्रस्ट दैट गाय, वी कैन अपॉइंट दैट गाय डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दैट वाज अ प्रीवियस चेयरमैन, वी आर स्टिल ओके विद अपॉइंटिंग, दोनों पार्टीज ने कंसेंट दे दिया है, दे आर फ्री टू अपॉइंट दैट पर्सन। तो कोई भी ऑब्जेक्शनल ग्राउंड है, ऑब्जेक्शनेबल ग्राउंड है, उस पर अगर सामने वाली व्यक्ति वेट करती है, वो अलाउ करता है, तो स्टिल दैट पर्सन कैन बी अपॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, That is the beauty ना, इस एक्ट का इतना जनरल इन नेचर है कि सब कुछ अलाउड है अगर दोनों पार्टीज, पार्टी ऑटोनॉमी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नीडेड, however, once appointed, the party that made or agreed to the appointment cannot raise a challenge on that very same ground.
आज मान लीजिए एमआरएफ ने अपॉइंट करने के लिए अग्री कर लिया कि हाँ टाटा मोटर्स का एक्स चेयरमैन है उसको हम अपॉइंट करते हैं, उन्होंने आर्बिट्रेशन चालू कर दिया, एक महीने बाद टाटा एमआरएफ अब चैलेंज नहीं कर सकता, ए नहीं नहीं ये तो बायस है, यू आर अवेयर एंड यू आर अवेयर अबाउट द रिस्क स्टिल यू हैव अपॉइंटेड। अब आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 ये तो बायसनेस है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां पर बायसनेस है, बट यू कैन चैलेंज ऑन अ न्यू ग्राउंड, किसी और ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हो, बट इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते। ये क्यों रखा है समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों रखा है, मान लीजिए ऐसा केस हुआ तो यहाँ पे एमआरएफ क्या सोचेगा, काम करते ना उन्होंने बोला ना एक्स चेयरमैन उसको अपॉइंट करने देते हैं, अभी उसको देखते हैं अगर हमारे फेवर में नहीं जा रहा होगा तो हम बाद में बोल देंगे अरे अरे बायस है बायस है। तो लॉ ने क्लियर किया कि देखो आइडियली तो आप किसी भी रिलेटेड व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करो, लेकिन पार्टी ऑटोनॉमी होती है आर्बिट्रेशन में, तो अगर आप चाहते हो आर्बिट्रेटर के ऊपर ड्यूटी क्या है, हमने पढ़ा सेक्शन 12 में कि उसको इन्फॉर्म कर देना है, फिर भी अगर दूसरी पार्टी सर ओके दे कैन अपॉइंट हिम, बट वंस यू हैव अपॉइंटेड यू वेव्ड ऑफ द राइट देयर आफ्टर यू कैन नॉट चैलेंज हिज अपॉइंटमेंट ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन सम अदर ग्राउंड यू कैन चैलेंज बट ऑन द सेम ग्राउंड यू कैन नॉट चैलेंज। आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरलाइन दिस ऑल, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट, सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट। एग्जाम में पूछ लिया ना, आई बिलीव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब फूट जाएंगे समझते हैं, वोंट बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल आर्बिट्रेशन एक्ट क्या कहता है, सजेस्ट करता है कि किसी भी रिलेटेड व्यक्ति को अपॉइंट मत करो, लेकिन अगर आप एक रिलेटेड व्यक्ति का नाम प्रपोज करते हो और सामने वाली एंटिटी अग्री कर जाती है, ही इज अवेयर कि वो इनका एक्स एम्प्लॉई या फिर रिलेटेड था, फिर भी वो अग्री कर जाती है, तो टुमारो दे कैन नॉट टेक द सेम ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग के नहीं नहीं वो तो ऐसा था, यू कैन स्टिल अपॉइंट हिम। यस पीपल, Now I want you people to read example 13. Read example 13. Underline this entire part and read example 13. I hope you understanding. कि अगर आपको पता था, उसने डिस्क्लोज कर दिया था कि वो रिलेटेड एम्प्लॉई है, फिर भी आपने पॉइंट किया, तो बाद में आप सेम ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते। एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज इट इज अलाउड इन लॉ। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आपको पढ़ाता हूं बेटा जी, फिर आप बच्चे मस्ती से ब्रेक में जाइएगा। सबसे पहले अच्छे से समझ लो क्या है, सम इंस्टेंसेज एग्जाम्पल्स विच वुड गिव राइज टू डाउट एज टू प्रेजेंस ऑफ बायसनेस, कि हम डाउट कर सकते हैं कि यहां पे बायसनेस थी। सो दीज आर द ग्राउंड्स विच गिव्स अ रीजनेबल डाउट एज टू बायसनेस। I hope you're understanding. कि ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड है तो बायसनेस श्योर शॉट है। These grounds are not so grounds कि ये है तो आप अपॉइंट कर ही नहीं सकते। These grounds suggest biasness. ऐसा कह रहे हैं। क्या? पहला, arbitrator is an employee, consultant, advisor, or has been any other past or present business relation with a party. कि अगर arbitrator जो इन दोनों में से एक पार्टी है, उसका employee है, consultant है, advisor है, या फिर पहले कोई भी पोजिशन पे आपके साथ काम करता था, या फिर आर्बिट्रेटर करंटली रिप्रेजेंट द लॉयर और लॉ फर्म एक्टिंग एज काउंसिल फॉर वन ऑफ द पार्टीज, कि आर्बिट्रेटर इन दोनों में से किसी एक की लॉ फर्म का पार्ट है, आर्बिट्रेटर हैज गिवन लीगल एडवाइस और प्रोवाइडेड एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द डिस्प्यूट टू अ पार्टी और एन एफिलिएट टू वन ऑफ द पार्टीज, कि आर्बिट्रेटर ने इसी डिस्प्यूट को लेकर आए थे आपके पास, इसी डिस्प्यूट को लेकर आर्बिट्रेटर के पास आए थे पहले, और आर्बिट्रेटर ने इनको लीगल सजेशन दिया कि क्या क्या करना चाहिए, और बाद में उसी व्यक्ति को ऐसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, नहीं करेगा। अरे वो तो आपको लीगली सपोर्ट कर रहा है ना कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और आप उसी को कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे, ही इज टू इन्वॉल्व इन द केस। अ क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर हैज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन वन ऑफ द पार्टीज और एन अफिलिएट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, कि जो आर्बिट्रेटर है उसका क्लोज फैमिली मेंबर जो है वो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन दीज ऑफ द पार्टीज और इज एन एफिलिएट रिलेटेड है। The arbitrator is a legal representative of an entity that is a party in the arbitration. Arbitrator is a legal representative of an entity that is a party in the arbitration. So arbitrator किसी एक party का legal representative है। तो मैं arbitrator, मैं legal representative। वाह, नहीं कर सकते। Arbitrator has a significant financial interest in one of the parties or the outcome of the case. Arbitrator का financial interest in दोनों में से किसी एक में, या फिर उसका financial interest in the outcome of the case. किस डिस्प्यूट का जो आउटकम आएगा उसमें उसका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल समझ लो,
वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया के बीच में डिस्प्यूट चल रही है ना, और आर्बिट्रेटर इज हैविंग, आर्बिट्रेटर इज अ सब्सटेंशियल शेयरहोल्डर ऑफ एयरटेल, तो यार इनके डिस्प्यूट के आउटकम से उस पर भी तो इंपैक्ट आएगा, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर हैज प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द केस, सेम केस में वो प्रीवियस तरीके से इन्वॉल्व था, मेरी बात को समझना, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई पॉइंट है तो ऐसा मान ही लेंगे कि नहीं भैया इनमें से कोई पॉइंट है तो बायसनेस है ही है, ऐसा नहीं है, दे सिंपली सजेस्ट बायसनेस, पहली चीज, दीज आर द इंस्टेंसेस विच सजेस्ट बायसनेस, फर्दर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इनमें से कहीं है तो आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते, मेजर चीज के अगर आप इनमें से कहीं पे भी टच होते हैं, आप पास एम्प्लॉई है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, आपने लीगल ओपिनियन दिया है, तो ये बात आपको डिस्क्लोज कर देनी है, और फिर भी अगर सामने वाली पार्टी इज ओके विथ योर अपॉइंटमेंट तो चलेगा ना। तो बायसेस की ब्यूटी यह है कि आइडियली आपको कोशिश करना है कि बायस व्यक्ति आर्बिट्रेटर ना बने, लेकिन अगर बायस व्यक्ति का आर्बिट्रेटर की ड्यूटी क्या है वो दोनों को डिस्क्लोज कर दे, फिर भी अगर पार्टी अपने राइट को वेव करके इनको अपॉइंट करना चाहती है, नथिंग लाइक इट, बट वंस यू अपॉइंटेड यू कैन नॉट देन चैलेंज ऑन द सेम ग्राउंड कि नहीं नहीं ये तो बायस है, आपको पता था फिर भी आपने अपॉइंट किया ना, तो यू कैन नॉट लेटर ऑन चैलेंज ऑन द सेम ग्राउंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी, क्लियर क्या बेटा जी? तो यहां तक चैप्टर में अभी भी मैं कह रहा हूं कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं, जैसे कि हमने अभी सेबी एक्ट और एलओडी पढ़ा था, हम एक एक पॉइंट को ऐसे याद करते करते आगे बढ़ रहे थे, यहां पे इट इज अ वेरी जनरल चैप्टर इन नेचर, बहुत जनरल है, हम लोग जैसे ही इस चैप्टर खत्म करेंगे इमीडिएटली पास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो पास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमें आइडिया लग जाएगा कैसा जनरल है, और उसमें अगर हमें लगता है कि कुछ पार्ट तो हमें इसमें ऐसा है जिनके पॉइंट्स याद ही करने होंगे तो हम तब मार्क कर लेंगे एकदम मस्ती में, तो अभी आपको एकदम लाइटर नोट पे चलना है, कोई लोड नहीं, इट्स अ वेरी जनरल एक्ट इन नेचर, एंड आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई हैव बीन अ स्टूडेंट यार, स्टूडेंट वेरी ऐसा कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, कीप ऑन स्टडिंग समथिंग और द अदर, सो आई नो ना व्हेन समथिंग ऐसा इवन इफ समथिंग ट्रिकी डिफिकल्ट कम्स देयर, तो वी मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा बट वी लाइक टू फेस इट, वी लाइक टू रीड इट, बट व्हेन समथिंग कम्स विच इज वेरी इजी, वेरी जनरल इन नेचर, सो देन दैट इज सुपर मोनोटोनस, इट इज डिफिकल्ट टू रीड इट, देन इट इज सुपर डिफिकल्ट टू रीड इट, राइट? सो आई रियली अंडरस्टैंड योर पोजिशन, बट यार कुछ चीजें आपको जिम्मेदारी के तौर पर भी करनी पड़ेगी, दैट इज आई कैन डू इट, इट्स वेरी इजी टू स्किप करके, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को करते हैं। आज हमने एक पार्ट अच्छा पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या ये होगा, नहीं तो डिफॉल्ट पोजिशन, नहीं तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो भी बोलेगा आप अपॉइंट करो, और वहां पर भी आपने अपॉइंट किया तब जाके वो अपॉइंट करेंगे, अच्छी चीज सीखी। फिर बायसनेस के बारे में हमने पढ़ा, तो आफ्टर द ब्रेक वी आर गोइंग टू हिट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज अगर एक बार आपने पढ़ लिया, टर्मिनेशन रिमूवल ऑफ आर्बिट्रल पढ़ लिया, देन बहुत कंफर्टेबली आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स टू फॉलो, ठीक है, टर्मिनेशन ही है, एंड देन लास्ट आ जाता है आर्बिट्रल अवार्ड। तो आपका समझिए तीन मेजर चीजें इस चैप्टर में आपको बताया था, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर, एंड आर्बिट्रेशन अवार्ड, राइट? तो हमें फटाफट से जी जान लगा के एक बार आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अच्छे से रैप अप हो जाना चाहिए, ओके? सो दैट विल बी ऑल फॉर द फर्स्ट सेशन, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू पीपल बैक, इट इज 9:22, 9:35 में हम लोग वापस मिलते हैं, ओके बेटा जी? आई विल सी पीपल एट 9:35, ओके ओके, चलो टेक अ नाइस 13-14 मिनट्स का ब्रेक, 15 मिनट्स का ब्रेक ऑलमोस्ट, एंड आई विल सी पीपल देन, या थैंक यू।
चलिए यस वी विल, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए यार, यस वी विल। देखो परेशान नहीं होने का है ना, चलता रहता है। जब ये चैप्टर खत्म करूंगा ना तब मुझे बोलना अगर ये चैप्टर परेशान दे रहा है, परेशानी दे रहा है तो जब चैप्टर एंड करूंगा ना तब बोलिएगा। अभी बस इंश्योर कि एकदम हिम्मत से जैसे बता रहा हूं वैसे आप साथ में बने रहें बस। चलो यार बहुत बढ़िया, यस पीपल। सो वेयर आर वी इन दिस चैप्टर? इन दिस चैप्टर वी हैड स्टार्टेड, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, ओके। उसके बाद हमने देखा इसमें दो पार्ट है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन। उसके एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि एक्ट के क्यों आया था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इसके लिए आया था, एंड टू डिफाइन लॉज फॉर कंसीलिएशन। फर्दर ये इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, कब आया था, 22nd of August 1996 में आया था, इजी थिंग। चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। आर्बिट्रेशन के अंदर पहले इंट्रोडक्शन है, फिर तीन मेजर टॉपिक्स आते हैं, आर्बिट्रल अग्रीमेंट, हमने पढ़ा कि आर्बिट्रल अग्रीमेंट जरूरी होता है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, भले ही क्लॉज होगा, रेफरेंस होगा, सेपरेट अग्रीमेंट होगा, सब चलेगा, ये पढ़ गया। फिर आ गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कैसा होना चाहिए, सोल आर्बिट्रेटर होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, सोल होगा तो अच्छी बात है, या फिर मल्टीपल भी हो सकता है, कैसे अपॉइंट होगा, ये सब हमने पढ़ लिया। और अब फाइनली हम आते हैं आर्बिट्रल अवार्ड की ओर। अब हम लोग आते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की ही अंत की ओर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अंत की ओर हमारे, फोकस करना। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यहां तक हमने पढ़ लिया है और अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टारगेट इज आर्बिट्रल अवार्ड, नेक्स्ट टारगेट इज गोना बी टू टच आर्बिट्रल अवार्ड। तो अभी तक जो भी पढ़ा है आई गेस दिमाग में बैठा हुआ है, हाँ 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 हाँ। चलिए यार शुरू करते हैं, हिम्मत से काम लेंगे यार। The next topic is what? Arbitral Tribunal में हम पढ़ रहे हैं, Arbitral Tribunal में हम लोग पढ़ रहे हैं Duties and Liabilities of Arbitrator, कि एक Arbitrator की Duties and Liabilities क्या होती है, Basic एकदम easy, सुना? An Arbitrator once appointed is subject to certain duties, of course the duties emerge from the combined reading of statute and case laws, कि उसकी जो duties हम पढ़ रहे हैं ये कुछ तो Act से आई है और कुछ Case laws से आई है, wonderful। First, conduct the arbitral proceeding without delay, कि इस व्यक्ति को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग करनी है विदाउट एनी डिले, कोशिश करना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं और विदाउट डिले आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स करनी है, ठीक है, ठीक है, इजी, कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस करना। यस पीपल, उसको कोशिश करना है कि विदाउट डिले हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं विदाउट डिले फटाफट कर दो बस, नहीं, यू हैव टू एंश्योर कि प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर, लीगल कंप्लायंस के साथ आप आगे बढ़े एंड टाइम वेस्ट भी नहीं करें, फास्टर भी करें। इट हैज टू बी फास्ट एज वेल एज लीगल कंप्लायंट, इट हैज टू बी स्पीडी एज वेल एज लीगल कंप्लायंट, ओके। सो लीगली कंप्लायंट एज वेल एज स्पीडी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पहले हम लोग पॉइंट्स को साथ डिस्कस करें फिर अंदर के कंटेंट में, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अंदर का कंटेंट कितना पसंद है। नेक्स्ट, रिमेन एट ऑल टाइम्स इम्पार्शियल, ट्रीट बोथ द पार्टीज इक्वली, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो आर्बिट्रेटर है उसको इम्पार्शियल रहना है, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट, यही तो इनकी परेशानी है कि वही बात बार बार बोले जाते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कीप ऑल द मैटर कंसर्निंग आर्बिट्रेशन कॉन्फिडेंशियल, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जो चीज आर्बिट्रेशन में डिस्कस होगी सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पार्टीज और आर्बिट्रेटर किसी को भी बाहर बात नहीं बताएगा, इट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो आर्बिट्रेटर ने भी ध्यान रखना है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है इट हैज टू बी एंटायरली कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट, डेलिबरेशन, फोकस करना अच्छे से, डेलिबरेशन का मतलब क्या है कि आपने कोई भी चीज डेलिबरेशन के साथ करनी है, मतलब आपने ये नहीं कि सीधा अवार्ड पास कर दिया, आपने डिस्कस करके अवार्ड पास करना है, ओके, आपकी बात ये है, आपकी बात ये है, ओके, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ही हैज टू डू डेलिबरेशन, ही हैज टू डिस्कस एंड पास द फाइनल ऑर्डर, क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेशन की ब्यूटी कहां है, जब दोनों पार्टीज ऑर्डर से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पार्टी गलत है तो भी उसके फेवर में दो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बट दोनों पार्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डेलिबरेशंस के साथ में ऑर्डर पास करना है, मतलब ऑर्डर सीधा ब्लेटेंटली पास नहीं करना है, लाइक अ कोर्ट, यू हैव टू डिस्कस द ऑर्डर विद देम, अपना जो आप ऑर्डर है वो अवार्ड है वो दोनों के साथ डिस्कस करते हुए पास करना है डेलिबरेशंस के साथ। अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी, ओहो, अगर मान लीजिए आप आर्बिट्रेटर हैं और दो पार्टी एमआरएफ और मारुति, तो आपने मारुति के प्रेजेंस के बिना एमआरएफ से अकेले गुलुगुलु नहीं करना है,
आपने एमआरएफ से सेपरेटली बातें नहीं करनी है, आपने या फिर एमआरएफ के प्रेजेंस के बिना आप मारुति के साथ में गुलू गुलू कर रहे, नहीं अलाउड है। तो यूनिलेटरल कम्युनिकेशंस अवॉइड करने। सर ऐसा क्यों यार, कभी अगर कोई कम्युनिकेशन यूनिलेटरल तो हो सकता है? जितने ज्यादा यूनिलेटरल कम्युनिकेशन आप करेंगे उतना रिस्क होता है कि सामने वाली पार्टी बोलेगी पार्शियलिटी हो रही है। तो आपको कोशिश करना है सारे कम्युनिकेशन सबके सामने, सबके सामने, सारे कम्युनिकेशन सबके सामने हो। ओके, सो अवॉइड यूनिलेटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी। नेक्स्ट वन, एनश्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम वन पार्टी इज कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। ये भी बहुत ब्यूटी है कि एक आर्बिट्रेटर को ध्यान रखना है कि व्हाटएवर कम्युनिकेशन इज गेटिंग फ्रॉम वन पार्टी, व्हाटएवर कम्युनिकेशन इज गेटिंग फ्रॉम वन पार्टी, दिस हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जो भी यहां से मिल रहा है वो उसको कम्युनिकेट कर देना है दूसरी पार्टी। ओके, नेक्स्ट, इंश्योर दैट द अवार्ड एंड ऑल द डिसीजंस कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि स्पीडी होना चाहिए, साथ में लीगल कंप्लायंट, वही लिखा है कि आपका जो अवार्ड है इट शुड बी विद इन द लीगल स्ट्रक्चर। क्यों? अरे इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर आपके अवार्ड में कोई भी चीज है जो कि लीगल स्ट्रक्चर के बाहर है तो फिर कोर्ट उसको इन्फोर्स करने में नाटक करेगा, कोर्ट विल नॉट प्रॉपरली इन्फोर्स द अवार्ड। तो आपको इंश्योर करना है कि लीगली कंप्लायंट होना चाहिए आपका अवार्ड। आर्बिट्रेटर हैज टू इंश्योर कि उसका अवार्ड लीगली कंप्लायंट होना चाहिए। And last, ensure that he or she himself at all time comply with legal requirement associated with the arbitrator. कि हमेशा जो भी legal requirement है वो सब complied रहे, कि कोई भी non-compliance नहीं हो, कोई भी non-compliance नहीं हो, तो सारे legal requirement comply करनी। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ensure that he or she himself at all time comply with the legal requirement associated with the arbitrator, कि उनको ध्यान रखना है जो भी arbitrator arbitration, कि जो भी arbitrator या arbitration से related legal compliance है वो सब complied हो। Next, कि award जो है वो भी लीगल कंप्लाइड हो, एंड फर्स्ट क्या है, प्रोसीजर भी लीगली कंप्लाइड हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कि अवार्ड लीगली कंप्लाइड हो और ये आर्बिट्रेटर में मेन आर्बिट्रेशन है, ये पूरा आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेटर पे फोकस कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर का सारा काम जो वो भी लीगली कंप्लाइंट हो, अवार्ड भी लीगली कंप्लाइंट, और फर्स्ट में लिखा है प्रोसीजर भी लीगली कंप्लाइंट हो। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं याद करो, हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर की क्या क्या ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी होती है। अब आपको मजा आ रहा है, हाँ सर ये अच्छा है, अंदर का नहीं पढ़ना पड़े तो अच्छा है। फोकस करो यहाँ पे, कदों इधर आओ, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर के क्या क्या ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज है। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर क्या क्या ड्यूटीज लाइबिलिटीज। तीन पॉइंट तो क्या था, पहला था स्पीडी होना चाहिए मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, कंडक्ट द आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग विदाउट डिले, तो यहाँ पे था कि विदाउट डिले करना है, विदाउट डिले करना है और साथ में लीगली भी कंप्लाइंट रहना, ठीक है। लास्ट पॉइंट था ऑल द लीगल कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू आर्बिट्रेटर शुड बी कंप्लाइंट। नेक्स्ट, उसके पहले ऑल द लीगल कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू अवार्ड शुड बी कंप्लाइंट। ये तीन पॉइंट हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब यू टू एंश्योर दैट यू टू रिमेन इम्पार्शियल, आपको थ्रू आउट इम्पार्शियल, ये तीन लीगल कंप्लायंस वाले पॉइंट हो गए। फिर हो गए इम्पार्शियल, तो आपको भाई साहब पूरे टाइम इम्पार्शियल रहना है, ठीक है, एंड आपको किसी से भी यूनिलेटरल कम्युनिकेशन नहीं करना है, इम्पार्शियल रहना है, यूनिलेटरल कम्युनिकेशन नहीं करना बिकॉज उससे इम्पार्शियलिटी शो होती है। इम्पार्शियल रहना है, किसी एक को फेवर नहीं करना है, यूनिलेटरल कम्युनिकेशन नहीं करना है, और किसी भी पार्टी से अगर कोई कम्युनिकेशन आता है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट मेल आता है तो वो आपको दूसरी पार्टी के साथ भी शेयर करना है। तो तीन पॉइंट वापस रिलेटेड जैसे हो गए, पहले तीन लीगल कंप्लायंट, फिर तीन हो गए इम्पार्शियलिटी से काम करना है, यूनिलेटरल कम्युनिकेशन को अवॉइड करना है, एंड अगर एक पार्टी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजी तो आपको दूसरी पार्टी के साथ में शेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन यू टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी रहे और डेलिबरेशन हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन, आप पार्टी के बीच में, आर्बिट्रेटर एंड बोथ द पार्टीज, आर्बिट्रेटर एंड बोथ द पार्टीज, आप लोग आपस में इन्फॉर्मेशन रखेंगे, इन्फॉर्मेशन आप बाहर शेयर नहीं करेंगे। क्लियर है, कॉन्फिडेंशियल। एंड डेलिबरेशन के साथ में के अंदर लिखा है कि आप ऑर्डर को ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर सिर्फ पास कर देंगे रिजिड वे में, नहीं, यू विल बी डिस्कसिंग द ऑर्डर विद देम। तो आपने डेलिबरेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, एंड 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 वी आर डन, वी आर डन। देखो देखो देखो, तो पॉइंट्स याद रखना कितना आसान हो गया, तीन कंप्लायंस के पॉइंट, तीन इम्पार्शियलिटी के पॉइंट, और लास्ट के दो पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेलिब्रेशन। आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया। तीन लीगल कंप्लायंस के पॉइंट, पहला पॉइंट है कि विदाउट एनी डिले हो जाना चाहिए, तो स्पीडी एज वेल एज लीगली कंप्लायंट, प्रोसीजर लीगली कंप्लाइंट होना चाहिए। फिर हो गया आर्बिट्रेटर का सारा काम भी लीगली कंप्लाइंट होना चाहिए, आर्बिट्रेटर शुड भी लीगली कंप्लाइंट होना चाहिए। उसके ऊपर लिखा है अवार्ड भी लीगली कंप्लाइंट होना चाहिए, तीन ये पॉइंट हो गए। फिर तीन इम्पार्शियलिटी के पॉइंट हो गए कि इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, यूनिलैटरल डिस्कशन, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन को भी आपने अवॉइड करना है, एक सिंगल कम्युनिकेशन जो आपका होता है फोकस करना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि जो भी एक पार्टी ने आपको कम्युनिकेट किया दैट हैज टू बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, ये इम्पार्शियलिटी हो गए। और लास्ट दो पॉइंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेलिबरेशंस। वाह, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग रीड कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, फिर भी कंडक्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विदाउट एनी डिले,
इट इज नेसेसरी दैट द आर्बिट्रेटर कंडक्ट द प्रोसीडिंग एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल. वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज दैट देयर इज अ डेडिकेटेड आर्बिट्रेटर टू डिसाइड द मैटर. ये एडवांटेज का डेडिकेटेड आर्बिट्रेटर आपके पास, तो कोर्ट में तो क्या होता है, उस कोर्ट में उस जज को 15-20 केसेस या हजारों केसेस हैंडल करने होते हैं, एक दिन में 15-20 केसेस हैंडल करने होते हैं, तो कंफ्यूजन टाइम वगैरह सब आता है. यहां पे आर्बिट्रेटर डेडिकेटेड है आपके काम के लिए, राइट. तो आपका काम स्पीडी होना चाहिए. लॉन्गर प्रोसीडिंग वुड मीन मोर कॉस्ट टू पार्टीज एंड डिले इन रेजोल्यूशन, के लॉन्ग नहीं चलना चाहिए, फास्ट से फास्ट होना चाहिए. दिस डज नॉट मीन दैट आर्बिट्रेटर कंडक्ट द प्रोसीडिंग आर्बिट्ररीली जस्ट टू फिनिश फास्टर, ये नहीं कि फटाफट करके खत्म करना है. He has to ensure that all legal requirements are met and unnecessary delays avoided. तो स्पीडी भी होना चाहिए और लीगली कंप्लाइंट भी होना चाहिए. नेक्स्ट, रिमेन एट ऑल टाइम impartial. As noted above, this is a crucial requirement. Impartiality maintains the sanctity and integrity of the process and outcome. A biased outcome is no outcome and would not be acceptable under law. तो आपको ध्यान रखना है कि आपने impartial रहना है. Impartial रहेंगे तो ही आप सही प्रकार से arbitration कर पा रहे हैं. Impartiality is a basic feature. Then keep all the matters confidential that arbitrator and the parties इनके बीच में होना चाहिए. They cannot share anything outside. The matter का पूरा information, the discussion has to be completely confidential. क्या लिखा है? A highlight of arbitration is that whatever happens in the arbitration remains within the arbitration. क्या? अरे आप जो यहाँ पे author था, उसने कहाँ से ये top line derive की समझ में आ रहा है? Whatever happens in arbitration remains within arbitration. समझ में आ रहा है? What happens in Vegas remains in Vegas. बस वैसा ही. That what happens in Vegas stays in Vegas. वहीं से वो लेकर आए हैं. Whatever happens in arbitration remains within arbitration. बाहर नहीं जाएगा. बहुत बढ़िया. Confidentiality allows the parties to fully explore all aspects of dispute so as to arrive at a more acceptable solution. अगर confidentiality है तो जो parties है ना वो freely discuss कर सकते हैं, and this free discussion permits them to get to achieve a better solution. This requirement of confidentiality extends to all, including the arbitral tribunal, which is under a duty not to divulge any information that comes to the knowledge during the process of arbitration. ये सब के ऊपर parties पे तो है ही है, और साथ ही साथ ही arbitrator के ऊपर भी है, ये information बाहर share नहीं करना है. Next is deliberation, कि उसको order abruptly pass नहीं करना, discuss करना है. The arbitral tribunal should properly discuss all issues before issuing a decision or award. हर एक इश्यू को proper deliberation करना है, proper discussion करना है, और फिर उसके ऊपर हर एक के ऊपर separately award pass करना है proper तरीके से. The award should be a reasoned award. एक और चीज, सेक्शन 31 कहता है that the award जो भी पास कर आर्बिट्रेटर, it has to be given with reason. ऐसा नहीं कि ये मेरा डिसीजन है. नहीं, आपने जो डिसीजन दे रहे हैं उसके साथ में you have to also give the reasons. In other words, the arbitrators should discuss the matter with each other thoroughly and through a majority render the award. Section 29 कहता है कि जो भी अवार्ड आएगा वो मेजोरिटी से आएगा. Of course, when there are more than one arbitrator. अगर एक आर्बिट्रेटर है तो वो क्या खुद से बात करेगा क्या? Are you understanding? तो एक arbitrator है तो खुद से दे देगा वो decision. But अगर more than one arbitrator है तो उसको सबसे discuss करना है. And the award has to be given by majority. दो sections इसमें हैं. Section 31, that award has to be always a reasoned award. Award has to be always a reasoned award. मतलब award के साथ में reason होना चाहिए. And the next point is simple. Next point simply says कि आपका जो भी award है, it has to be rendered through majority. मान लीजिए आपके तीन हैं, तो तीन में से जो majority दो लोग जो बोलेंगे वो award pass होगा. Next, avoid unilateral communication. कि कभी भी अगर unilateral communication किया, then allegation of biasness can be made, right? अगर आप unilateral communication नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर allegation नहीं लग सकता biasness का. Okay, next, ensure all documents and communication received from one party is communicated to the other party. एक party से जो भी आ रहा है वो दूसरी party में जाने वाला है. अरे बिल्कुल ये नहीं, आपको ध्यान रखना है, सोहन पपड़ी बना दो आप communication को, कि जो भी एक party ने दिया दूसरी party को देना है मतलब देना है, जो भी एक party ने दूसरी party को देना है मतलब देना है, कुछ भी खुद के पास नहीं रखना है. Are you understanding? जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है उसको भाई साहब सोहन पापड़ी बना दो, सबको आगे पास कर दो. आपको समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसके अंदर क्या कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है फ्रॉम वन पार्टी हैज टू बी गिवन टू अदर पार्टी, ये कह रहे हैं. ये नहीं कि पूरे गांव में बांट दो, राइट. तो आपको ध्यान रखना कोई भी इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल, तीनों के बाहर नहीं जानी चाहिए. और जो भी इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति ने दी है, MRF और मारुति का केस चल रहा है, MRF ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको मारुति को डिस्क्लोज करनी है ईमानदारी से. चल उसके बाद में, ensure that the award and all the necessary details decision comply with legal requirement. को पहले रीड कर लेते हैं. The arbitral tribunal should ensure that all parties have copies of all the communication documents received from one party. This will ensure that all parties have the maximum opportunity to present its case. Of course, अगर सारे पार्टी communication हो जाती सारे information को, तो the other party can present the case in a better fashion. मैं कोर्ट में आया हूँ, वहाँ पे नई पॉइंट उसने रेज कर दिया, मैं तो prepared ही नहीं हूँ उसके लिए, तो उसके सारे पॉइंट्स पहले से. और ये कोर्ट का प्रोसीजर होता है दैट आप जो जो आर्ग्यूमेंट्स रेज कर रहे हैं आपको पहले से सामने वाली पार्टी के लॉयर को बताना होता है. ओके, सामने वाली पार्टी को बताना होता है. इंश्योर दैट द अवार्ड एंड ऑल द डिसीजंस कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट. अनलेस द अवार्ड कंप्लाइज द लीगल रिक्वायरमेंट द अवार्ड वुड नॉट बी एनफोर्स्ड.
कि अवार्ड तभी एनफोर्स होगा जब वो लीगली कंप्लायंट है। आर्बिट्रल अवार्ड का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना हम, कहां पे देखेंगे आप ऐसा कुछ अवार्ड नहीं पास कर जो कि इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। भाई साहब ये अवार्ड में क्या करो, इनको इनको 50 लाख रुपए देने, पार्टी हैज टू पे 50 लाख रुपीज टू पार्टी बी, एंड पार्टी ए को जो है ना रोड पे खड़ा करके हम कोड़े मारेंगे। अजी कोड़े मारेंगे, अरे भाई साहब आप आर्बिट्रेटर हो, आप यहां पे तुगलक नहीं हो, तो आपको इंश्योर करना यू नॉट अ डिक्टेटर हियर राइट, सो यू कैन नॉट पास एन ऑर्डर विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सब आगे आप पढ़ोगे आर्बिट्रल अवार्ड में, तो आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंश्योर दैट ही और शी हिमसेल्फ एट ऑल टाइम्स कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट एसोसिएटेड विद आर्बिट्रेटर, के आर्बिट्रेटर के भी जो लीगल कंप्लायंसेस है वो भी वो पूरा फॉलो कर रहा है। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस सिंस नॉन कंप्लायंस वुड मीन दैट कंटिन्यूएंस ऑफ पर्सन इज आर्बिट्रेटर इज लायबल टू बी चैलेंज्ड, कि अगर वो कोई भी आर्बिट्रेटर से रिलेटेड लीगल कंप्लायंस फॉलो नहीं करेगा तो वहां पे ये भी रिस्क है कि उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। ऑन सच रिक्वायरमेंट, वन सच रिक्वायरमेंट इज दैट ऑफ द ड्यूटी टू डिस्क्लोज ग्राउंड विच में लीड टू एन ऑप्रिहेंशन ऑफ बायसनेस, कि उसके ऊपर रिक्वायरमेंट था ना, हमने पढ़ा था सेक्शन 12 में कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई आपको अगर लगता है कि मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट हैव टाइम 12 मंथ्स में पूरा आर्बिट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे लगता है दैट आई एम समवेयर रिलेटेड, आई हैव एन इंटरेस्ट पिक्यूनरी बिजनेस सम ऑफ द इंटरेस्ट, आई हैव टू डिस्क्लोज इट अप, तो अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बाद में रिस्क आता है कि आपको चैलेंज कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर दिया जाएगा। सो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। याद करना बहुत आसान, तीन लीगल कंप्लायंस की क्या, पहला चीज है नो डिले, तो स्पीडी भी होना चाहिए और लीगल कंप्लायंट भी होना चाहिए। उसके बाद में दी अवार्ड शुड बी लीगली कंप्लायंट एंड दी आर्बिट्रेटर शुड बी लीगली कंप्लायंट, तीन पॉइंट हो गए। फिर तीन पॉइंट आ गए इंपार्शियलिटी के, इंपार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, नो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन एज एन अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन, और वट एवर कम्युनिकेशन यू गेट फ्रॉम वन पार्टी यू टू कम्युनिकेट टू द अदर, ठीक है। उसके बाद में दो पॉइंट आ गए क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेलिबरेशंस। वाह, सो हियर वी आर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रेटर, ब्यूटिफुल। फिर आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेशन रिमूवल एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। अभी भी सुनना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अभी मस्ती से एक एक टॉपिक को समझते चलो। व्हेन यू आर डन विद दोस थ्री टॉपिक, बस ये मुझे आपको तीन टॉपिक करके बता दो, एक बार आपने तीनों टॉपिक मुझे करके बता दिया ना, फिर आप देखो वाह मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा आपको। वील हैव अ सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस आप देखोगे अरे इतना सा पढ़ा अपन ने, हाँ, देन यू विल सी कि वी हैव रेड द एंटायर चैप्टर, वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क ना, एमसीक्यू वगैरह कहीं पे भी, तो वी हैव रेड द एंटायर चैप्टर, वी आर श्योर दैट एक भी मार्क अगर इसमें से आया तो हम उसको फोड़ देंगे, एक भी मार्क का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता तो हम उसको फोड़ देंगे। वंस वी आर दैट कॉन्फिडेंट देन आई विल शो यू सिनॉप्सिस पूरे चैप्टर की, आप देखोगे इतना सा पढ़ना है, जी हाँ इतना सा पढ़ना होगा। फिर देन जो आपको ऐसा ना कि हाँ फोर्स करना है खुद को याद रखना है, वो बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है। चलो फिर आता है टर्मिनेशन रिमूवल एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में आर्बिट्रेटर को आप टर्मिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। चार केसेस है, देखो क्या लिखा है, इन चार केसेस में फोर इंस्टेंसेस है जिसमें आर्बिट्रेटर बदल दिया जाएगा। पहला, वो खुद ही जाना चाहता है, When the arbitrator leaves voluntarily, वो खुद से जाना चाहता है, arbitrator voluntarily जाना चाहता है, wonderful। Second, when all parties involved in the arbitration agree that the arbitrator should be removed, mutually निकाल रहे हैं उसको। दो केस क्या हो गया, पहला वो खुद ही जाना चाहते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा, I don't have time, I have some issues and I cannot continue to be the arbitrator, he is voluntarily leaving। Second, mutually both the parties उससे नहीं होगा, अरे हाँ उससे नहीं होगा, उनसे होता ही नहीं, उनका आता ही नहीं, तो अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करके आर्बिट्रेटर को निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। व्हेन ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द आर्बिट्रेशन अग्री दैट द आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव्ड। थर्ड, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ ऐसा हो गया कि आर्बिट्रेटर कंटिन्यू कर, कोई भी रीजन हो सकता है, मान लीजिए आर्बिट्रेटर अब जो है ना हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एज इंसॉल्वेंट, इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हैज बीन डिक्लेयर्ड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो गया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब वो आर्बिट्रेटर कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो उस केस में भी आर्बिट्रेटर कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड यहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो ग्राउंड दिए, आर्बिट्रेटर अनेबल टू कंटिन्यू जो मैंने बताया, एंड सेकंड इज व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड, अब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ही खत्म हो चुका है तो भी ऑफकोर्स आर्बिट्रेटर को निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट डी, व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स दैट द आर्बिट्रेटर शुड बी रिमूव्ड, अगर कोर्ट को लगता है कि आर्बिट्रेटर सही से काम नहीं करें, ही शुड बी रिमूव, दैट टाइम आल्सो ही शुड बी रिमूव, तो चार केसेस में आर्बिट्रेटर कैन बी रिमूव्ड। हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, तो किन सर्कमस्टांसिस के अंदर आर्बिट्रेटर कैन बी टर्मिनेटेड, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर आर्बिट्रेटर कैन बी टर्मिनेटेड, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दीज आर द फोर सर्कमस्टांसिस अंडर विच आर्बिट्रेटर कैन बी टर्मिनेटेड। जी हां, क्या, पहला ही वॉलेंटरली इंटेंसली, वो खुद से ही छोड़ना चाहता है। सेकेंड,
ऑल द पार्टीज, मतलब बोथ द पार्टीज, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, दे म्यूचुअली डिसाइड टू रिमूव द आर्बिट्रेटर. थर्ड, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि कुछ ऐसी चीज हो गई कि आर्बिट्रेटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, फिर आर्बिट्रेशन का काम ही हो चुका है. एंड लास्ट, इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू रिमूव द आर्बिट्रेटर, पहला वो खुद से छोड़ के जा रहा है, दूसरा पार्टीज मिलकर निकाल रहे हैं, चौथा कोर्ट निकाल रहा है, और तीसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ही वो निकल रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? इजी टू रिमेंबर. अब इनको देख लेते हैं हम लोग. समझो, there's a possibility that the arbitrator that has been chosen by the parties or appointment made by the court may for different reason become unsuitable. Ho sakta hai ki kisi na kisi karan se wo unsuitable ho raha hai. In such instances an arbitrator has to be removed and replaced by another arbitrator. In circumstances mein arbitrator ko remove karna padega aur naye ko appoint karna padega. There are clear processes for doing so. Removal of arbitrator may be in four instances. In char cases mein niklega. Pehla, when the arbitrator leaves voluntarily, it is possible that the arbitrator for reasons which he may or may not disclose to the parties decides to no longer act as the arbitrator. आर्बिट्रेटर को लगता है मुझे रीजन देने या फिर रीजन नहीं देने, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू एज एन आर्बिट्रेटर. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बींग अ प्राइवेट कंसेंट बेस्ड अरेंजमेंट एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी फोर्स अगेंस्ट देयर विल टू कंटिन्यू और कंटिन्यू एक्टिंग एज एन आर्बिट्रेटर. तो पहला पॉइंट इज वेरी इजी. व्हाट इज द पॉइंट? व्हेन द आर्बिट्रेटर लीव्स वॉलंटरली. अरे आर्बिट्रेटर वॉलंटरली छोड़ के जाना चाहता है. इफ द आर्बिट्रेटर इज लीविंग वॉलंटरली यू कैन नॉट स्टॉप हिम. अरे ये एक वॉलंटरी एक्ट है, आप इसको नहीं नहीं तुझे करना ही पड़ेगा. अरे भैया ऐसे आर्बिट्रेटर है, वो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते. सो इफ द आर्बिट्रेटर इज लीविंग वॉलंटरली यू कैन स्टॉप, यू कैन नॉट स्टॉप हिम. ठीक है, एंड क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर रीजंस व्हिच ही और ही मे नॉट डिस्क्लोज. तो रीजंस भी वो डिस्क्लोज करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. वंडरफुल. नेक्स्ट, व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व इंटेंड्स टू रिमूव, कि वो खुद से निकल रहा हो, ठीक है, पार्टीज दोनों पार्टीज मिलकर निकालना चाहते, एक पार्टी चाहती तो नहीं निकाल सकती, एक पार्टी को निकालना है तो उसको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, एक कोर्ट देखो ना उसको निकालो. एक पार्टी खुद से नहीं निकाल सकती, लेकिन दोनों पार्टीज म्यूचुअली चाहें तो निकाल सकते हैं. देखो, एट ऑल टाइम्स ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व मे डिसाइड नो लॉन्गर कंटिन्यू विद अ पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर. ये क्या होता है कभी भी? मान लीजिए हमने सोचा था कि इस आर्बिट्रेटर को उतनी नॉलेज है हमारी सब्जेक्ट मैटर की और इसको अपॉइंट किया, बट हम जब इसके हमने आर्ग्यू कर रहे हैं इसको पता ही नहीं हम क्या आर्ग्यू कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर टू ऑयल कंपनीज हैविंग सम डिस्प्यूट, सो दे प्रिज्यूम उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया हु इज एन एक्सपर्ट, जिसने 10 साल तक ऑयल कंपनी में काम किया है, तो उसको पता है कि ऑयल कंपनीज में क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है, एक कोई भी छोटी सी चीज़ का भी क्या बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ये सब उसको पता है. इन्होंने उसके अंदर आर्ग्यू करना चालू कि इसको पता ही नहीं उस बारे में कुछ, तो वो चाहते हैं तो दोनों मिलकर उसको रिमूव कर सकते हैं. इफ दे थिंक दैट द पर्सन डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज. देखो क्या लिखा है, दिस कुड बी फॉर मेनी रीजंस इंक्लूडिंग द पर्सन दैट द पार्टीज रियलाइज दैट द आर्बिट्रेटर डज नॉट हैव द पर्टिकुलर एक्सपर्टीज दे हैड डिजायर्ड. एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉज अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर फॉर हिज एक्सपीरियंस एज सिविल इंजीनियर. हाउएवर, द पार्टीज ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन फाउंड आउट दैट हिज एक्सपीरियंस वॉज इनएडिक्वेट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लार्ज डैम्स. द पार्टीज कुड through a unanimous decision decide to have another person as arbitrator. I hope you understand ki dono parties ko lagta hai ki this person does not have the requisite knowledge experience to be the arbitrator. Later on they decide that, unko lagta hai aisa, later on they form an opinion, they can remove the arbitrator, there is no problem in that. Next is by operation of law, very easy. Arbitrator unable to continue by operation of law. Assume for an instance where the arbitrator falls sick and is unable to continue any proceeding for a very long period of time. बिल्कुल बीमार हो गया, काम नहीं कर सकता है. सिमिलरली देर कुड बी अदर इश्यूज, आर्बिट्रेटर मे बिकम बिजी विथ अदर मैटर्स, हिज ओन बिजनेस सिंपली लूज इंटरेस्ट इन द मैटर. आर्बिट्रेटर बीमार है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहता है, किसी भी तरह से अब अगर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है. दीज आर फैक्चुअल इनएबिलिटीज. देर मे ऑल्सो बी पॉसिबिलिटी दैट द लॉ नो लॉन्गर परमिट्स द पर्सन टू रिमेन एज एन आर्बिट्रेटर. ये भी हो सकता है कि लॉ ही उसको अलाउ नहीं कर रहा है. नाउ द पर्सन इज अनेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो गया, लीगली इनकैपेसिटेट हो चुका है वो. If any of the above happens, it would lead to long delay in arbitration, which in turn would increase the expenses related to arbitration. इसके कारण समय बहुत लगेगा, and if at all the time is consuming, parallelly expenses also increasing, right? Therefore, in such situation, the law steps in and automatically terminates the arbitrator. If confusion remains as to whether arbitrator has indeed been terminated, then any party could proceed to the court, which finally decides on the question of termination. अगर मान लीजिए by operation of law क्या है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ से टर्मिनेट, बिकॉज वो टाइम ही इज प्रोलॉन्गिंग अननेसेसरली, तो वो मतलब वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. अब सुना, इन सर्कमस्टेंसेस में भी कभी कभी म्यूचुअली वो लोग निकालते हैं, बिल्कुल टाइम देता है तो दोनों पार्टी जाके म्यूचुअली निकाल देती है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है. मान लीजिए एक पार्टी निकालना चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं निकालना चाहती, कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये आर्बिट्रेटर है कि नहीं है, तो वहां पे यू अप्रोच द कोर्ट और कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है रिमूवल का. सो ये बता रहे हैं कि आर्बिट्रेटर माइट बी टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहला क्या हो गया, आर्बिट्रेटर अनेबल टू कंटिन्यू. तो इफ
क्लियर ही हो गया कि इज अनेबल टू कंटिन्यू तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो वहां पे यू अप्रोच टू द कोर्ट एंड कोर्ट पासेस एन ऑर्डर कि हाँ ये कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। सो ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहला हो गया अनेबल टू कंटिन्यू, और ऑपरेशन ऑफ लॉ में दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन हो चुका है, मतलब व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स, द मैंडेट ऑफ द आर्बिट्रेटर एंड्स व्हेन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस गेट्स कंक्लूडेड, द प्रोसेस कैन एंड इन मल्टीपल वेज। प्रोसेस एंड हो गया तो भी आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट कर देंगे ना, हो गया भैया जी आपका काम, आप क्या रुक के करोगे, अब आप जाओ, तो प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। उसको मल्टीपल तरीके से कंटिन्यू हो सकता है, देखो क्या, फॉर इंस्टेंस व्हेन फाइनल अवार्ड हैज बीन मेड, उसने फाइनल अवार्ड दे दिया है, डिस्प्यूट को उसने रिजोल्व कर दिया है, तो इसको टर्मिनेट तो कर देंगे ना, ये नेगेटिव टर्मिनेशन नहीं, बट काम हो गया तो जाओ ना भैया, कॉमा फेलियर टू मेक द अवार्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में अवार्ड हो जाना चाहिए, रूल है कि आपको कोशिश करना किसी भारत में 12 महीने में अवार्ड पास कर दो, 12 महीने में अगर आपने अवार्ड पास नहीं किया तो भी खत्म, आर्बिट्रेशन को खत्म कर देते हैं फिर, तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में आर्बिट्रेशन एक्ट पूरा नहीं है, बहुत कम पार्ट है, तो उस आपके सिलेबस में वो एरिया नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूं कि अगर 12 मंथ्स में आर्बिट्रेशन नहीं होता है तो आर्बिट्रेशन को वहीं पे एंड कर दिया जाता है, और व्हेन द पार्टीज डिसाइड टू नो लॉन्गर कंटिन्यू विद आर्बिट्रेशन। तो ऐसा कुछ भी हो गया कि आर्बिट्रेशन कंक्लूड हो गया, उसने ऑर्डर दे दिया, या फिर 12 मंथ्स हो गए ऑर्डर नहीं दे पाया तो कैंसिल कर दिया, या फिर पार्टी से डिसाइड कर दिया कि आर्बिट्रेशन करना ही नहीं है, इनमें से अगर कोई सी भी चीज हो गई है तो भी आर्बिट्रेशन कंक्लूड हो गया तो आर्बिट्रेटर को टर्मिनेट कर देंगे। सो ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो हो गया, वन हो गया आर्बिट्रेटर इज अनेबल टू कंटिन्यू, एंड सेकंड इज व्हेन द आर्बिट्रेशन इज कंक्लूडेड, एंड लास्ट आता है व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स दैट द आर्बिट्रेटर शुड रिमूव, कि अगर कोर्ट को लगता है कि आर्बिट्रेटर को रिमूव कर देना चाहिए, कोर्ट को लगता है कि आर्बिट्रेटर को रिमूव कर देना चाहिए, फोकस करना। In addition to all of the above, there may be a possibility when none of the above is present. For example, the arbitrator is working without delay, parties are satisfied with the performance, etc. But still a party feels that the arbitrator should not continue, then it could, for reasons of biasness, approach the court to remove the arbitrator. मान लीजिए कभी भी लगता है कि हाँ यार आर्बिट्रेटर विदाउट डिले काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, इज एबल टू कंटिन्यू, सब कुछ है, लेकिन एक पार्टी को लगता है कि यह आर्बिट्रेटर जो काम कर रहा है ये बायसनेस से काम कर रहा है, न्यूट्रल नहीं है, पर ये किसी भी केस में अगर एक पार्टी चैलेंज करनी चाहती है आर्बिट्रेटर को तो वो चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं आर्बिट्रेटर को तो वो चैलेंज कर सकते हैं, तब कोर्ट डिसाइड करता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, चार केसेस में, पहला व्हेन ही इज, कब कब आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हो जाता है, व्हेन ही इज वॉलंटरली लीविंग, व्हेन द पार्टीज म्यूचुअली रिमूव हिम बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में दो हो गया, फर्स्ट ही इज अनेबल टू कंटिन्यू, सेकंड द आर्बिट्रेशन इज कंक्लूडेड, एंड लास्ट हो गया बाय कोर्ट। सो दीज आर द वेज बाय विच एन आर्बिट्रेटर कुड बी आर्बिट्रेटर कुड बी टर्मिनेटेड, सुपर इजी यार, सुपर इजी, फोकस। बेटा जी आप लोग जो इंपेशेंट हो रहे हैं, मैं बस आपको कहना चाहता हूं, बस ये एक पेज पढ़ा रहा हूं आज और उसके आगे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ ये एक पेज और पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है, तो एकदम पेशेंटली बैठो, आर्बिटर अवार्ड हम मस्ती से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तो चिल करो एकदम, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ना, आपको आई अंडरस्टैंड यू आर बिकमिंग इंपेशेंट, बस आपको एक इतना वादा करना है कि आप बिल्कुल, मतलब डू नॉट स्किप एनीथिंग अननेसेसरली, जस्ट कंटिन्यू अहेड, मैं आपको कह रहा हूं वन टाइम एफर्ट लेना है, आखिरी के जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा हाफ एन आवर में, यू विल बी लाइक अरे दिस इज द बेस्ट चैप्टर एवर, अभी स्ट्रगल है, मतलब क्योंकि अभी हमें मोनोटोनस पार्ट पढ़ना पड़ रहा है, एंड में आप देखोगे इतना ब्यूटीफुल चैप्टर आपने दिखाई नहीं होगा, इतना सिंप्लीफाइड, इतना स्ट्रक्चर्ड चैप्टर, ये तो अभी हम क्या उसके बोरिंग पार्ट में, इसलिए सो जस्ट हैव सम पेशेंस हियर, ओके। चलिए अब आ रहा है सवाल, बिफोर हुम चैलेंज टू बी रेस्ट, कि अगर मान लीजिए आपको आर्बिट्रेटर से कोई परेशानी है आपको आर्बिट्रेटर से, तो आप किसके पास जाएंगे, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड, सुनना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कि अगर आपको आर्बिट्रेटर का आपको कहना है कि बायसनेस है, तो आप सीधा नहीं जा सकते हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको पहले उस आर्बिट्रेटर के सामने इश्यू को रेस करना है कि आप बायस्ड हो, फर्स्ट द इश्यू हैज टू बी रेस्ड बिफोर दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईकोर्ट, फोकस करना, देखना बिफोर हुम चैलेंज टू बी रेस्ड, इंपॉर्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है नहीं लग रहा है इस मुकाम पे, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द फर्स्ट चैलेंज मस्ट बी रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इटसेल्फ, कि आप कभी भी अगर यहां पे आर्बिट्रेशन हो रहा है, द फर्स्ट चैलेंज हैज टू बी मेड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओनली आफ्टर दैट कुड द चैलेंज बी रेज इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आपको अगर कभी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, एंड हाई कोर्ट में जाएंगे फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आपको समझ में आ रहा है, हमने अपॉइंटमेंट के लिए क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक के लिए हाई कोर्ट और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना है तो अथॉरिटी कौन है, डोमेस्टिक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इंटरनेशनल के लिए हाई कोर्ट। वंडरफुल, तो रूल प्रोसीजर का ध्यान रखना है, फर्स्ट यू टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओनली देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
ओके, दिस इज अ वेरी सिमिलर सेटअप एज कम्पेयर टू जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी में भी सेम है, वेयर चैलेंज अगेंस्ट द जज इज द फर्स्ट इंस्टेंस हर्ड बाय द जज हिमसेल्फ एंड लेटर बाय अ हाई कोर्ट. तो पार्टी जो चैलेंज करी पहले आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल में करेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईकोर्ट पर जाएगी डिपेंडिंग ऑन द आर्बिट्रेशन. ठीक है, स्टेप्स टू बी फॉलोड वंस एन आर्बिट्रेटर हैज बीन टर्मिनेटेड. हम चैलेंज कैसे करेंगे समझ गया, पहले आर्बिट्रल अवार्ड के सामने, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अगर ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, और अगर इंटरनेशनल है तो पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने और फिर हाईकोर्ट के सामने. स्टेप्स टू बी फॉलोड वंस आर्बिट्रेटर हैज बीन टर्मिनेटेड. ये हो गया सर कि आर्बिट्रेटर टर्मिनेट कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा वॉलंटरली जा सकता है, म्यूचुअली जा सकता है, सब पार्टीज ने मिलकर ऑपरेशन ऑफ लॉ से जा सकता है, और लास्ट में कोर्ट निकाल सकता है. कोर्ट में हमने पढ़ा कि कैसे आप अप्रोच करते हो, पहले आपने अपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाईकोर्ट में जाना है. डन. अब ये बढ़ा रहे टर्मिनेशन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर टर्मिनेट कर दिया है तो क्या होगा, नया आदमी तो चाहिएगा ना. देखो क्या लिखा है, steps to follow once an arbitrator has been terminated. In such instance, the law provides that a new arbitrator could be appointed keeping in mind the original method of appointment. नए arbitrator को appoint कर सकते हो keeping in mind the original method. कि originally कैसे appoint किया था, आप दोनों ने मिलकर appoint किया था, तो वैसे ही आप दोनों मिलकर वापस appoint कर लो. आपने किसी authority को appoint किया था कि वो appoint करेगा, आपने किसी authority को designate किया था कि वो appoint करेगा, तो authority को बोल दो वो appoint कर देगा. तो जैसे आपके originally appoint हुआ था वैसे आप वापस appoint कर दो. If, however, that fails, अब वापस वहीं आ गए, लेकिन अगर वो फेल हो गया, then the parties are free to approach Supreme Court of India in international and High Court for appointment. अगर आपके existing arbitral tribunal है, arbitral tribunal है, उसको आपने terminate कर दिया, अब नया कहाँ से लाओगे, तो original method पे चले जाओ जैसे आपने basic appoint किया था, और अगर वो फेल हो जाता है तो सीधा आप High Court Supreme Court का application दे सकते हैं for appointment. ये लोग appoint करते ही है ना, High Court domestic और Supreme Court international commercial arbitration. ठीक है सर, यहां पे हमें वो डिफॉल्ट मेथड वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है. अरे बेटा जी, वो लूप एक बार आप कर चुके हो, एक बार आप डिफॉल्ट मेथड वगैरह पे पूरा जा चुके हो, और वहां से आपने अपॉइंट कर दिया था, अब वो टर्मिनेट हो गया है, तो आपने जिस तरह से पिछले वाले को अपॉइंट किया था ना, उसी मेथड से वापस अगले को भी अपॉइंट करो. एंड इफ दैट इज नॉट वर्किंग नाउ, देन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन अपॉइंट, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन डायरेक्टली टू हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट. एग्जाम्पल 14, यस, यहां से यहां तक. Read example 14. And I hope you're going to read this example very beautifully. ये example मैं आपके साथ discuss भी करूंगा. Read example 14. इतना प्यारा कोई example आपको जीवन में नहीं लगा होगा ना. चलो कदम. Read example 14. We are going to end the lecture now. Read example 14. I'll discuss the example 14. And then we're going to end the lecture. Yes, people. सर डन 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 डन. देखो क्या लिखा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं है. राहुल वॉज अ मेंबर ऑफ अ 3-person एपिलेट ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट अ डिस्प्यूट बिटवीन दिस कंपनी एंड दिस कंपनी. राहुल वॉज अपॉइंटेड बाय दिस कंपनी. He had on an earlier occasion being associated as a software consultant with Microsoft. When the arbitration proceeding were going on two occasions, Rahul privately met with and failed to inform either of the other arbitrators or parties about the meeting or the content of the meeting. It was also observed that Rahul adopted an unduly harsh attitude towards representative of Dell and Intel, all the while remaining extremely friendly with Microsoft representative and lawyers. So, इससे क्या हो रहा है? इससे ऐसा लग रहा है कि भैया जी biasness है. Here in this case, Rahul can be challenged on the ground of biasness. His previous association actions during the proceeding clearly points towards his tendency to favor Microsoft over and above other parties. Assume that Rahul was removed. A new arbitrator had to be appointed. In such a situation, the original method, that is Microsoft making the appointment, would apply again. समझ में आ रहा है clarity से? क्या बोला है? अगर किसी भी arbitrator को remove कर रहे हो, तो उस arbitrator के appointment का जो original method था, उसी से आप appoint करोगे. तो राहुल वॉज अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो यहां पे ओरिजिनल मेथड पे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इज ओनली गोइंग टू अपॉइंट अगेन. इफ हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट फेल्स टू मेक द अपॉइंटमेंट, द अदर पार्टीज कैन अप्रोच द कोर्ट. लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर पाता है, देन द पार्टीज गोइंग टू अप्रोच कोर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. इस एग्जांपल में एक प्रॉब्लम है, इस एग्जांपल में एक प्रॉब्लम है. कैन एनीवन ऑफ यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस एग्जांपल?
इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम, ये इस एग्जाम्पल का पर्पस क्या था कि आपको ये कंसेप्ट समझा दे। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, हाँ, कि अगर मान लीजिए जिस भी पर्टिकुलर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जिस आर्बिट्रेटर को हम निकाल रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट जैसा हुआ था प्राइमरीली वापस उसका वैसे ही अपॉइंटमेंट होगा, एंड इफ दैट फेल्स तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ये पॉइंट आपको समझाना पर्पस था, वो हो गया। लेकिन यहां पर एक इश्यू है इस एग्जाम्पल में। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज द इश्यू? कि यहां पे एक तो इश्यू है, एक चीज खटकनी चाहिए आपको। टेल मी व्हाट इज दैट दैट इज ट्रबलिंग यू इस पार्ट में? देयर इज समथिंग हियर जो कि आपको थोड़ा सा खटकना चाहिए। एक और चीज डिस्कशन हो जाएगा, इज देयर एनीथिंग इरिटेटिंग, इज देयर एनीथिंग यू फीलिंग कि नहीं यार ये तो स्ट्रिक्टली कंप्लायंस के बाहर है। चलिए मैं बताता हूं, एक चीज आपके दिमाग में क्या आ सकती है कि सर इफ राहुल इज ए मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और वो अपॉइंट किया है बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, राहुल माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉइंट किया, तो ये डेल कॉमा माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल इन तीनों के बीच में, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉइंट किया, ठीक है, सुनना, ही ऑन एन अर्लियर ओकेजन बीन एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट विद माइक्रोसॉफ्ट, और वो पहले से माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट भी था, तो ये बात सबको डिस्क्लोज की होगी, बाकी सबने अग्री की होगी। व्हेन द आर्बिटर प्रोसीडर ऑनगोइंग ऑन टू ओकेजन राहुल प्राइवेटली मेट विद माइक्रोसॉफ्ट ऐसा ऐसा ऐसा, तो अब जब सबको पहले ही फोकस करना कि यार जब इसने पहले डिस्क्लोज किया था एंड एवरीवन इज अग्रीड, तो हमने एक चीज पढ़ी है ना, हमने एक चीज पढ़ी है ना कि अगर मान लीजिए जो व्यक्ति आपका पहले एम्प्लॉय वगैरह रह चुका है उसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं, उसको आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंट कर सकते हैं, सामने वाले को कंसेंट दिए, सामने वाले कंसेंट दिए, तो बाद में सामने वाली पार्टी सेम ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकती है। प्रोविजन याद आ रहा है कि मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, सो देर माइट बी अ कन्फ्यूजन इन योर हेड कि यार वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्या, समझना ध्यान से, तो यू विल अंडरस्टैंड समथिंग मोर हियर, कैसा बेटा जी, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, सिर्फ एक जिस्ट दे रखा है उन्होंने, तो इसलिए आई जस्ट कैन एक्सप्लेन इट टू यू, फोकस करना अच्छे से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंफ्यूजन फर्स्ट, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्या ये क्लियर हुआ क्या? व्हाट इज द कंफ्यूजन? द कंफ्यूजन विच कैन अराइज इज कि ऐसा पढ़ा है हमने कि जब भी एक पार्टी का रिलेटेड पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर दी अदर पार्टी हैज़ अ राइट टू चैलेंज कि नहीं अपॉइंट होगा, लेकिन अगर अदर पार्टी इज अग्रीड कि हाँ अपॉइंट कर दो, तो बाद में ये अदर पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती ऑन द सेम ग्राउंड के बायसनेस है, किसी और ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट सर? फिर यहाँ पे ये कैसे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो माइक्रोसॉफ्ट का ये व्यक्ति राहुल और बाद में ये लोग यही बोल रहे हैं ना कि बायसनेस के कारण रिमूव कर रहे हैं। सर हाउ इज दैट एप्लीकेबल? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वो जो प्रोविजन अपन ने पढ़ा है ना, वो जो प्रोविजन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंफ्यूजन फर्स्ट, मैं आशा करता हूँ हर एक बच्चों कंफ्यूजन समझ में आ गया कि हाँ यार सर वहां पे तो पढ़ा था कि अगर पहले दूसरी पार्टी ने कह दिया अपॉइंट कर दो, तो बाद में वो लोग बायसेस के ग्राउंड पर रिमूव नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, वो प्रोविजन कब पिक्चर में आता है? जब दोनों लोगों ने जॉइंटली अपॉइंट किया, वो प्रोविजन, ये अभी नहीं तो सेल्फ स्टडी में डाउट आता है इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं, वो प्रोविजन कब पिक्चर में आता है? जब दोनों लोगों ने जॉइंटली अपॉइंट किया, सुनना केयरफुली, If the arbitrator is jointly appointed, and in that case, आपका अदर ना underline भी क्या हुआ है? In that case, अगर ऐसा होता है कि this arbitrator is related to one entity, and second entity is still waived, कि कोई बात नहीं फिर भी appoint कर लो, तो बाद में ये second entity ये नहीं बोल सकती कि biasness है। क्या यहाँ पे राहुल is jointly appointed? Is Rahul jointly appointed here? No. Here Rahul is not jointly appointed. यहाँ पर तीन parties हैं, तीनों को एक एक arbitrator appoint करने का मौका मिला है, तो यहाँ पर Rahul is not jointly appointed. यहाँ पर Rahul अगर biasness है, तो बाकी लोग बाद में भी argue कर सकते हैं same ground पे के biasness है. I hope you're understanding the point. बहुत depth में चले गए हम लोग, but I hope you're understanding the point. Otherwise बाद में self-study में confusion हो सकता है कि अगर jointly appointed है तो वो रूल आता है कि jointly appointed तो सामने वाले का consent लेना पड़ता है कि हाँ भाई साहब ये तो related है फिर भी appoint कर रहे हैं, and thereafter ये सेम ग्राउंड पे बाद में चैलेंज नहीं कर सकता है। बट राहुल इज नॉट जॉइंटली अपॉइंट, इंडिविजुअली अपॉइंट किया तीनों ने, एक 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 तो राहुल आया है, तो अभी बाकियों ने कोई कंसेंट नहीं दिया ऐसा, और बाद में बाकियों को लगता है कि बायसनेस है, तो बाकी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट?
ज्वाइंट एप्लीकेशन में उस रूल का ध्यान रखना होता है, इंडिविजुअली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी आप चैलेंज कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? गॉट इट राइट? परफेक्ट। एक बारीक सी चीज थी, खत्म होता है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, मैं तो आपको वही मैंने जो सिनॉप्सिस समरी मैं आपको देने ही वाला हूँ, बट अभी आपको लग रहा है ना कि सर तो बहुत ज्यादा ज्यादा कुछ पढ़ लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आप बैठ के सिर्फ देखोगे ना, ये टॉपिक है, इसके अंदर ये सब टॉपिक है, इसकी हेडिंग है, तो इतना सा पढ़ा है। हम सिर्फ इंश्योर करना चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से रैपअप कर ले, इससे हम एक एक चीज में जा रहे हैं, बाकी इट इज सुपर इजी। ओके, सो विल स्टॉप द सेशन हियर, विल स्टॉप द सेशन हियर, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, इफ टाइम परमिट्स, आप बस सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ऑफकोर्स फाइनल के बच्चे तो हो सकता है टाइम परमिट ना करें, अगर टाइम परमिट करता है तो आर्बिट्रल अवार्ड पूरा पढ़ के आइएगा। ये कितना पढ़ना है आपको? 5.29 से लेके, मैंने आपको कल 5.28 तक पढ़ने के लिए कहा था, अगर आप पढ़कर आएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऑलरेडी सब रिपीटेशन ये ईजी चल रहा है, राइट। अब मेरी आपसे अपेक्षा क्या रहेगी, आप 5.29 से लेकर यहाँ तक 5.36 के यहाँ तक आप रीड करें, जस्ट हैव अ नाइस रीडिंग लाइक अ नॉवल, देन दैट विल मेक थिंग्स वेरी इजी, सेटल फॉर यू कि हाँ बहुत आसान है, राइट। सो आई विल सी यू पीपल टुमारो फॉर दिस, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली मीन माई वर्ड्स टुडे, आज तो आई रियली मीन माई वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस थ्रू आउट द लेक्चर, ओके, आई विल सी यू पीपल टुमारो फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू, बाय बाय। एक क्वेरी रुको, तो एक क्वेरी है, एंड बाद वाला जो अपॉइंटमेंट माइक्रोसॉफ्ट करेगा उसमें अब दूसरों से कंसेंट लेगा क्या? जी नहीं, कंसेंट नहीं लेगा, माइक्रोसॉफ्ट जब अपॉइंट करेगा कंसेंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा जी। तो आप समझिए, नॉर्मल जो प्रोसीजर अपॉइंट होता है ना, तो उसके अंदर अगर ऐसा हो रहा है ना कि जॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कंसेंट चाहिए, अगर हर एक को एक एक अपॉइंट करने का मौका मिल रहा है तो वहां पर एक एक अपॉइंट करने का मौका मिल रहा है तो वहां पर कंसेंट नहीं चाहिए। बट ये रिस्क हमेशा रहेगी कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को अपॉइंट किया और वो अगर बायसनेस से काम कर रहा है, न्यूट्रल तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वापस सामने वाली पार्टी चैलेंज करके उसको निकलवा सकती है। तो अगर जॉइंटली अप्लाई करते हैं तो कंसेप्ट, सोलो आर्बिट्रेटर है, जॉइंटली अपॉइंट कर रहे हैं तो कंसेंट चाहिए दोनों की, राइट। लेकिन अगर मान लो दो पार्टीज हैं, दोनों को एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का मौका मिला है, तो दोनों अपना अपना एक एक करते हैं ना, एंड देयर आफ्टर दोनों, ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, राइट। तो यहां पर आइडियली इनको अपॉइंट करते तो रिलेटेड हो सकते हैं, बट ही शुड एक्ट अनबायस्ड एंड न्यूट्रल, अनबायस्ड एंड न्यूट्रल। और अगर एक पार्टी को लगता है कि सामने का अपॉइंटेड व्यक्ति अनबायस्ड न्यूट्रल नहीं है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये उनके अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अब जब अपॉइंट करेगा उसको किसी का कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको पता है कि जिस नए व्यक्ति को हमने अपॉइंट किया वो अगर अनबायस्ड तरीके से काम नहीं करेगा, सो देन ही कैन बी रिमूव्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding? एक बालिका पूछ रही है कि इस क्वेश्चन में ये मेंशन कहां था कि तीनों पार्टीज ने एक एक किया? देखो बेटा जी क्या लिखा है यहां पे, आ जाओ, ये एक एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एग्जाम्पल हमने देखा ये रहा, मैंने आपको क्या बताया कि इस एग्जाम्पल का मेन पर्पज समझो पहले, इस एग्जाम्पल का मेन पर्पज क्या है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से बता देना, कि अगर कोई भी आर्बिट्रेटर टर्मिनेट हुआ है तो जिस तरह से उसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था उस आर्बिट्रेटर का, वही वापस यहां पे उसको अपॉइंट करेंगे उसकी जगह पे। वो यहां पे उन्होंने अच्छे से समझा दिया कि राहुल को पहले अपॉइंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तो अभी भी उनको माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट करेगा, पहले ये चीज हो गया। अब आपका पूछना है कि ये कहां लिखा है कि तीनों ने अपॉइंट किया, देखो यहां पे अच्छे से, राहुल वॉज अ मेंबर ऑफ 3-person आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एडजस्ट द डिस्प्यूट बिटवीन डेल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटेल, राहुल वॉज अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो दिस gives a fair idea कि जब Dell, Microsoft और Intel के अंदर चल रहा है and Rahul was appointed by Microsoft, it means कि Rahul appointed किया गया by one party, Rahul has been appointed by one party, otherwise लिखा होता कि Rahul has been jointly appointed by them, तो Rahul has been appointed by Microsoft लिखा है, इसका मतलब clear है कि बाकी parties ने एक एक appoint किया होगा। और मान लीजिए Dell, Microsoft and Intel इनके बीच में है, मान लो डेल और माइक्रोसॉफ्ट एक तरफ है और इंटेल लगे, ऐसा भी होगा, तो मान लीजिए एक पार्टी को राइट मिला है राहुल को अपॉइंट करने का, तो जिस पार्टी ने राहुल को पहले अपॉइंट किया था, बाद में पता चला राहुल बायसनेस शो कर रहा है तो उसको निकाल दिया गया, तो जिस पार्टी ने राहुल को अपॉइंट किया था उसी पार्टी को मौका मिलेगा अब नए व्यक्ति को भी अपॉइंट करने का। इन्होंने क्लियरली लिखा है दैट राहुल वॉज अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने जॉइंटली लिखा है, जॉइंटली अपॉइंट करते हैं नहीं लिखा है। सो आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आपका एक माइंड जो है एक्सेप्ट करना चालू कर देगा इस तरह से फंक्शन करता है। एंड वेन एवर यू आर फ्री एंड यू वांट टू गिव अ फेयर रिवीजन ना, तो मेरे सिनॉप्सिस वाले नोट्स से तो आप कर ही सकते हैं, करेंगे ही सही,
उसके अलावा सिर्फ एग्जाम्पल भी रीड करोगे ना तो यू गेट इफेक्ट. अरे हाँ हाँ, इस सर्कमस्टेंस सारे स्पेशल पॉइंट पे एग्जाम्पल्स बने हुए, सारे स्पेशल पॉइंट पे एग्जाम्पल्स बने हुए. तो इसमें एग्जाम्पल भी पढ़े आपने तो एक अलग तरीके से आपका पूरे चैप्टर का रिविजन होगा सारे बारीक बारीक पॉइंट्स का. ओके चलिए, परफेक्ट, सॉर्टेड. यस पीपल, सो वेयर वाज आई? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू थैंक यू फॉर योर नाइस नाइस पेशेंस यू हैव शोन. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस. वंस 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 वेरी सून दिस चैप्टर इज गोना बी क्लोज एंड देन एफसीआरए आएगा. एफसीआरए कंपैरेटिवली तो काफी इंटरेस्टिंग है, कंपैरेटिवली काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस अगेन. आई विल सी यू पीपल फॉर नेक्स्ट सेशन टुमारो. बाय बाय.